सजयति हरिवंशचन्द्रनामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दम् गोविंद जीवन धनम् शिरसा वहामि शिरसा वहामि शिरसा श्री राधावल्लभलाल की श्री हित ललित लाडली लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की श्री हित सेवक जो महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रसरानी की श्री वृंदावन रजरानी संत समाज की समस्त वैष्णव भक्तन की जय जय श्री राम। विराजमान समस्त संत वृंद के श्री चरणों में प्रणिपात निवेदन करते हुए एवं अत्यंत श्रद्धा से युक्त आपके चित्त में विराजमान प्रेम प्रभु को प्रणाम निवेदन करते हुए आज के भाव में प्रवेश करते हैं। आइए कुछ क्षणों के लिए मेरे साथ श्री जी का नामाश्रय कर लीजिए। श्री राधा राधा श्री राधा 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 राधा।
राधा 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 श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। मन जो विचार परो रहे चित्त रमीले रूप देह लगे ढिंग भजन के रसिकन गैर अनु रसिक श्रेष्ठ श्रीहित निहि नागरी दास जी सूत्रपात करते हैं एक बड़े मार्मिक सिद्धांत का कि कैसा रसिक उपासक का जीवन हो। मन बुद्धि चित्त और सूक्ष्म अहम ये अंतःकरण चतुष्टय किस प्रकार मल विक्षेप से रहित होकर और इस उपासना के इस भाव भावना के इस रस रीति के इस निष्काम प्रीति के इस रति के और इस अद्भुत गति के योग्य बने किस प्रकार कैसा रसिक उपासक का जीवन हो। पूर्व भी आपको स्मरण हो तो मैंने निवेदन किया कि उपासना कोई भी हो यदि वस्तुतः उपासना है यदि वस्तुतः उस आस्था के मूल में अनुभूति है तो उपासना का परिणाम अंतःकरण की शुद्धि ही है। एक ही परिणाम है और अंतःकरण की शुद्धि ही जीवन की सिद्धि है। ये जो एक अनसुलझा सा प्रश्न है या आप ऐसा कह लीजिए ये एक अंतःकरण में जो एक अभाव है कभी आप विचार करिए तो आप पाएंगे कि सतत क्रिया में प्रवृत्त होने के मूल में कारण क्या है कि जीवन में कहीं ना कहीं कोई अभाव है। जीवन में कुछ है जो जिसकी अभी तक तृप्ति नहीं हो पाई है वो भी अभाव ही है जो प्रत्येक क्रिया में प्रवृत्त आपको करा रहा है क्योंकि उस अभाव की पूर्ति हो जाने के बाद जिसकी पूर्ति हो गई है उस अभाव की उस उपासक का यदि आप जीवन देखें तो ध्रुवदास कहते हैं अपनो रस लिए रहे। कबीर कहते हैं कछु लेना न देना और मगन रहना। पांच तत्व का बना ये पिंजरा उसमें बोले मेरी मैना और कछु लेना न देना मगन रहना। ये ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति और नारद जी कहते हैं आत्मा रामो भवति यत् प्राप्य। कुछ कुछ ऐसा पा लेता है उपासक यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। कोई ऐसी विलक्षण सी स्थिति उस उपासक की हो जाती है पर किसकी उपासक की। इसलिए मैंने पूर्व में निवेदन किया यदि उपासना है तो और उपासना कब उपासना है जब उसका आधार अनुभूति हो। अन्यथा तुलसी कहते हैं कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। अध्यात्म के मार्ग पर मैं किसी धर्म की किसी परंपरा की बात नहीं करता हूं। अध्यात्म के मार्ग पर अनुभूति ही धन है। जैसे आप कहीं किसी यात्रा पर निकलें तो आज के समय में इस अर्थ प्रधान युग में आप घर से निकले हैं और मैं तो कहता हूं भले श्री ठाकुर जी से मिलने भी आप आ रहे हैं। इस युग का ऐसा धर्म है और स्वयं श्री ठाकुर जी ने अर्थ को ऐसी प्रधानता दी है। आप घर से चले हैं तो सबसे पहली आवश्यकता क्या है किसी भी यात्रा पर निकलने के लिए आपकी सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि आपके पास निर्वाह के लिए कम से कम कुछ राशि आपके पास में हो जो जो कम से कम आपको चाहिए।
वो राशि आपके पास में हो। ठीक ऐसे ही आध्यात्म की यात्रा पर भी यदि आप निकलें तो जो कम से कम आवश्यकता है वो अनुभूति है, और स्वयं के पास अनुभूति आए कैसे, इसीलिए साधक ने किसी अनुभूति प्राप्त महापुरुष का आश्रय लिया है, इसीलिए गुरुजनों का आश्रय है, इसीलिए महतजनों की कृपा आवश्यकीय है। तो रसिकों ने कहा है कि कैसा उपासक का जीवन हो जिसके जीवन में अनुभूति प्रकाशमान हो सके। बोले मन जो विचार परो रहे, ध्यान से सुनना, मन जो विचार परो रहे चित्त रमीले रूप, देह लगे ढिंग भजन के ये रसिकन गैल अनूप। हम सहचरी के भाव स्वभाव और रूप स्वरूप, उसके विचार, उसके व्यवहार, उसके श्रृंगार पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक सत्र में आपको प्रियालाल की लीला निस दिन गान रूप माधुरी को पान, वो गान और रूप माधुरी का पान करने का अवसर मिलता है, और एक समय उस रस को पान करने की पात्रता प्राप्त करने का अवसर हमारे हाथ में है कि कैसा सहचरी का भाव है, कैसा उसका स्वभाव है, कैसा उसका रूप है, कैसा उसका स्वरूप है, कैसा उसका विचार है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसा उसका श्रृंगार है। तिये के तन को भाव धर, सेवा हित श्रृंगार, युगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। तो कल यदि आपको स्मरण हो तो मैं पुनः एक बार उस भाव का स्पर्श करके आगे बढ़ूं कि हम चिंतन कर रहे थे कि सहचरी का श्रृंगार कैसा है, न तो सहचरी का देह लौकिक है। अच्छा, ये जो लीला है, आप दर्शन कर रहे हैं, श्रृंगार हो रहा है, भोग हो रहा है, और कभी नौका विहार है, कभी आज झूलन की लीला का दर्शन होगा, कभी हो रही है लीला, लोकवत तो है लेकिन लौकिक नहीं है। लीला लोकवत है, और वो लोकवत होने का कारण भी श्री ठाकुर जी की असीम करुणा है, क्योंकि आप और मैं मन और बुद्धि से वहां नहीं जा सकते। ये आपकी और मेरी दुर्बलता है, ये जीव का असामर्थ है कि आप और मैं मन बुद्धि से वहां नहीं जा सकते। अपने स्वरूप को हमारे मनसा गम्य बनाने के लिए प्रिया प्रीतम ने ये लोकवत लीला किया है। ये तो नित्य लीला है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो श्री ठाकुर जी लोकवत लीला करते हैं, ब्रज में भी जो लीला है वो लोकवत क्यों है, ताकि आपके और मेरे मनसा बुद्धि गम्य हो सके श्री ठाकुर जी का रूप स्वरूप भाव स्वभाव। इसीलिए उनके आगमन को अवतार कहा जाता है। अवतरण माने अपने स्थान से थोड़ा नीचे उतर कर आना, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते तो वो हमारे तक आए हैं। इस रस के मूल में क्या है, इस रस के मूल में वो कृपा और करुणा ही तो है, कि जहां महाप्रभु कहते हैं श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में, ये तो मन के भी अगम है, ये मन सा अगोचर है। जहां लो गो गोचर मन जाई, साधारण मन और बुद्धि से तो भगवत तत्व का भी अनुशीलन करना, अन्वेषण करना असंभव है। फिर ये तो निगमादिकों को अलक्षित संपत्ति है, ये रस वैभव है, ये किसी भी प्रकार मनसावांग अगोचर है। तो इसीलिए आपको और मुझे रसास्वादन के लिए ये इस प्रकार से आविर्भूत हुआ है। और कहाँ हुआ है, एक और बात मैं आपको निवेदन कर दूं कि सो रस कहो कहाँ ठहरानो। प्रश्न किया किसी ने कि न वेद में इसकी कोई चर्चा है, न शास्त्र कोई इसका संकेत करता है, और न किसी पुराण ने ये कथा कहानी कही है, तो फिर ये रस है कहाँ, कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ है। यदि इसका आस्वादन करना हो तो इसका स्रोत कहाँ है, कैसे किसके निकट जाए। तो ध्रुवदास जी कहते हैं, सो रस कहो कहाँ ठहरानो, सखियन के उर नैन समानो। कहाँ ठहरा ये रस, बोले सखियन के उर नैन समानो। सखियों के नेत्रों में है, सखियों के हृदय में छिपा ये रस, ये रसिकों के नेत्रों में झलकता है ये रूप, ये रसिकों के हृदय में ये रस विभू प्रकाशमान हुआ है। रसिक हृदय में, रसिक हृदय संवेद्य रस है। बिन रसिकन वृंदा विपिन को है सकत निहार,
कोटि ब्रह्म ऐश्वर्य के वैभव की जहां बार। व्यास जी तो निर्भ्रांत होकर कहते हैं, निशंक होकर कहते हैं कि व्यास दास की कुमारी को कोहे सकत निहार, पल ना बिछुरत दो ता नहीं जात को। व्यास महलन लिए पीक दानी, बोले जहां कोई नहीं जाता वहां अपने गुरु की कृपा से ये व्यास सखी नित्य निरंतर युगल की सेवा में, सेवा की सौंज अपने हाथ में लिए खड़ी है। किसकी कृपा से? व्यास जी कहते जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश। व्यास जी ने आरंभ अपनी वाणी का किया है कहां से? जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। पल ना बिछुरत दो और तहा नहीं जात को। व्यास महलन लिए पीक दानी, वहां ये व्यास सखी कुंज महल की खवासी पाई है जिसने सहचरियों की कृपा से, बोले वहां ये व्यास सखी नित्य निरंतर युगल की सेवा में, सतत युगल की सेवा में अपने हाथ में सौंज सामग्री लिए खड़ी है। तो कैसा सहचरी का श्रृंगार, में कह रहा था कि न तो सहचरी का वपु लौकिक है ना उसका श्रृंगार लौकिक है, साधारण असाधारण श्रृंगार से सुसज्जित सहचरी है। कलम चर्चा कर रहे थे कि सहचरी के हाथ में कदा कुंज भवनांगण मार्जन इस्याम, हृदय सुशोभित है, हृदय अलंकृत है, किस भाव से? सेवा की अभिलाषा से। कितना सुंदर चिंतन दिया है रसिकों ने कि मन का श्रृंगार कैसे किया है सहचरी ने, श्री प्रिया जी की सेवा की अभिलाषा मन में संजोकर उसने अपने मन का श्रृंगार किया है, मन को सजाया है, अलंकार है ये सहचरी के हृदय का सेवा की अभिलाषा। करम ते पत्राली किमपि कुचयो कर तुम उचितम, कि कब कर कमलों से आपके कुछ कमलों पर, आपके कपोल कमलों पर मैं मकरी रचना करूं। उज्जागरम रसिक नागर संग रंगई कुंजोदरे कृतवती नुदार जन्याम सुस्नापिता ही मधुनैव सुभोजिता तुम श्री राधे कदा स्वपिशी मत्कर लालितांग्री का जानो कब भाग जगी है। इस अभिलाषा से सजाया है, सुन संवार लिया है सहचरी ने अपने मन को। ये सेवा की अभिलाषा ये सहचरी का भूषण है। और फिर सहचरी का एक और भूषण है जिसकी कलम चर्चा कर रहे थे कि श्याम सुंदर का वो दिव्य अंग संग प्राप्त होने पर भी उसे श्री कृष्ण अखिल सौंदर्य रसामृत सिंधु अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निजमुख निर्गत कांति सुधा से स्नात त्रैलोक के लक्ष्मी से समलंकृत अनंत अनंत लावण्यामृत धाराओं से अभिषिक्त जिनका श्री अंग है, ऐसे श्री कृष्ण का अंग संग सहचरी को प्राप्त हो रहा है। और कैसे प्राप्त हो रहा है? एक होता है अपने साधन से, अपने हठ से विवश करना श्री ठाकुर जी को, ध्यान से सुनना। एक होता है अपने हठ से विवश करना, ऐसे भी भक्तों के चरित्र श्रवण करने में आते हैं कि जब अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया और कि ठाकुर जी दर्शन देंगे तो पाएंगे, वो तो करुणा धाम है इसीलिए भक्त का मान रखते हैं। लेकिन कृपा का पात्र होना एक बात है, स्नेह का पात्र होना दूसरी बात है। कृपा की पात्रता एक वस्तु है, स्नेह की पात्रता दूसरी वस्तु है। इसीलिए जब श्री हित हरिवंश महाप्रभु का परिचय दिया है नाभादास जी ने तो कहा है कि कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी सर्वस महाप्रसाद और प्रसिद्ध ताके अधिकारी। आचार्य चरण कृपा पात्र नहीं है, उन्होंने वस्तु कृपा से नहीं पाई, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, उन्होंने अधिकार से पाया है। तो एक है कृपा पात्र होना, एक है स्नेह का पात्र होना। सहचरी को कृष्ण कैसे मिले हैं? वो श्री कृष्ण की कृपा पात्र नहीं है, वो श्री कृष्ण की स्नेह पात्र है। सुरत माध्या मदयति, केवल अंग संग प्राप्त नहीं हुआ है, उस अंग संग के साथ अत्यंत स्नेह से युक्त श्री कृष्ण की चेष्टा भी है। वो उसे सुरत मदिरा से उन्मत्त बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उस सह स्थिति में भी, उस अगाध अबाध रस की स्थिति में भी श्री कृष्ण के चरणों का रस क्या है?
श्री कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति का रस क्या है, महाप्रभु सुधा निधि में संकेत करते हैं। भगवान चंद्रमौलेश्वर बोले वो जिस रस का पान करके उन्मत्त रहते हैं, जो उन्हें उन्माद प्रदान करता है, किसी अन्य को नहीं, भगवान चंद्रमौलेश्वर भूत भावन सदाशिव जिस रस का पान करके सदा उन्मत्त रहते हैं, सहचरी को वो रस भी उन्मत्त नहीं बना पा रहा है। जैसे देखा हो आपने, हमारे एक संत हुए, आप सब परिचित होंगे, नीम करौरी बाबा। उनके पास एक बार विदेश से कुछ लोग आए जो बड़े ऊंचे किस्म का नशा किया करते थे, हिप्पी लोग जो होते हैं वो उनके पास में आए। तो बाबा की बड़ी प्रशस्ति सुनी थी, बड़ी महिमा बाबा की सुनी थी, बाबा से कौतुकवश बाबा से मिलने के लिए आए। तो वो जो पदार्थ लिया करते थे, बड़ी ऊंची किस्म का नशा, साधारण व्यक्ति झेल ना पाए, जैसे एक एक गोली जिह्वा पर कोई रख ले तो कई दिन तक उन्माद में रहे, उन्माद से ग्रस्त रहे, ऐसा नशा। तो नीम करौली बाबा के पास गए, तो बात चर्चा हुई, तो बाबा ने कहा कि कुछ आनंद आता हो तो हमें भी खिला दो। तो बोले आप खाएंगे? बोले हाँ। तो वो एक गोली खाकर जो कई दिन उन्माद से ग्रस्त रहे, तो बाबा ने मुट्ठी भरी और मुख में धर ली। अब वो व्यक्ति तो बेचारा बड़ा घबराया कि बस अब कुछ ही देर में इनके प्राण नहीं रहेंगे, इतना इतना उन्माद एक मानव का तन नहीं झेल सकता, इतना नशा एक मनुष्य का शरीर नहीं झेल सकता, तो अब बस कुछ देर में प्राण नहीं रहेंगे। उस बेचारे के तो हाथ पैर फूल गए कि पता नहीं अब बस क्या घट जाएगा। एक घंटा निकट बैठा रहा बाबा के, और एक घंटे के बाद बाबा बोले कुछ आनंद तो नहीं आया। बोले कुछ आनंद नहीं आया इसमें तो, कुछ मजा नहीं आया। बाबा ये बोले, बोले कुछ मजा नहीं आया, अर्थात कि उसका हृदय, जैसे जब जो व्यक्ति जब किसी भी प्रकार के उन्माद से ग्रस्त होता है ना, तो जिस वस्तु, जो वस्तु उसे उन्मत्त बनाती है, धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। यदि आज वो इतने से उन्माद ग्रस्त हो रहा है तो कुछ दिन बाद इतना कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा, अर्थात उसका तन मन अभ्यस्त हो चुका है उसका, अब उसे कुछ और चाहिए, और या फिर उसे उससे कहीं श्रेष्ठ कोई वस्तु प्राप्त हो चुकी है, इसलिए उसका मन उसके आकर्षण से आकर्षित नहीं है, उसके उन्माद से उन्मत्त नहीं है। तो भगवान चंद्रमौलेश्वर जिनके चारों चरणों के, जिनके शीतल शंतम पाद पद्मों के स्मरण से उन्मत्त रहते हैं, उन्माद ग्रस्त, तुलसी कहते हैं बीते संबत सहस सतासी, जब जब समाधि लगती है महादेव की, तो बोले सहस्रों सहस्रों शताब्दियां वो उसी समाधि में रहते हैं। एक बार माँ भवानी ने पूछा, बोले किसका ध्यान करते हैं आप, कौन आपको इतने इतने आनंद से उन्मत्त बनाए रखता है? तो श्री कृष्ण के चारों चरणों का जो ध्यान है, और उन चरणों से स्रवित होने वाला जो पीयूष है, प्रेम पीयूष, उसका पान करके भगवान शंकर मत्त रहते हैं, सहचरी को वो रस भी उन्मत्त नहीं कर पा रहा है। अच्छा, एक और भेद है इसमें कि भगवान सदाशिव तो अत्यंत विनय युक्त चित्त से श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हैं, लेकिन यहां तो श्री कृष्ण की चेष्टा ही नितांत भिन्न है, विलक्षण है। कि क्या कह रही है सहचरी, कि निज प्राणेश्वर्या यद्यपि दयनीय मिति माम मुहुष चुंबत त्यालिंगति सुरत माध्व्या मदयति, कि श्री कृष्ण कभी कपोल पर चुंबन करते हैं, कभी कभी मेरा दृढ़ आलिंगन कर लेते हैं, और सुरत मदिरा से मुझे उन्मत्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहां सावधान होकर सुनना कि श्री कृष्ण का सहचरी के प्रति आकर्षण नहीं है, इसीलिए महाप्रभु ने आरंभ कहां किया इस भाव का, क्योंकि ये तो वृंदावन धाम है, तो इस प्रकार की चर्चा कहना सुनना संभव हो पा रहा है, सुलभ हो पा रहा है, पर ये वार्ता प्रसारित भी की जाएगी, तो इसीलिए मैं सावधान होकर कह रहा हूं कि ये स्थिति कब आई है, श्री कृष्ण किस गुण पर रीझे हैं, निज प्राणेश्वर्या यद्यपि दयनीय मितिमान, कि ये मेरी स्वामिनी की दया पात्र है, ये श्री किशोरी जी की कृपा पात्र है, ये श्री किशोरी जी की प्रेम पात्र है, इसलिए ये श्री कृष्ण का आकर्षण नहीं है, ये श्री कृष्ण का स्नेह है। श्री कृष्ण अपने स्नेह रस से सिक्त कर रहे हैं सहचरी को, पर भाई नशा तो कोई प्रेम से ले ले, लाड़ से ले ले, दुलार से ले ले, मार से ले ले, कैसे भी ले ले, उसमें उन्माद तो है,
उसका अपना प्रभाव है, क्योंकि वस्तु की शक्ति को किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपना प्रभाव दिखाती है। जैसे वृंदावन धाम की जो वस्तु शक्ति है, इसे आपके मेरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इसे अपेक्षा नहीं है आपके मेरे बोध की, क्योंकि यदि कृपा को बोध की आवश्यकता हो तो जीव अनंत काल तक कभी कृपा पात्र हो ही नहीं सकता। भगवान की समस्त शक्तियों में, भगवान के समस्त वैभव में, भगवान की जो कृपा शक्ति है, भगवान का जो कृपा वैभव है, वही सर्वोपरि है, वही सर्वोत्कृष्ट है, वही उन्हें सरस करता है, वही उन्हें मधुर बनाता है, वही उन्हें मधुराधिपति के रूप में प्रतिष्ठित करता है, जो भगवान का कृपा विलास है, जो भगवान का कृपा वैभव है। तो ये स्वामिनी की कृपा पात्र है, बस ये जानते ही प्रियतम का। अच्छा, एक और विचारणीय बात है इसमें कि आलिंगन सहचरी का करते हैं श्री कृष्ण, लेकिन सहचरी का आलिंगन तो प्रतीक है, वस्तुतः प्रियतम ने सहचरी के हृदय में श्री प्रिया के प्रति जो निष्काम प्रीति है उसे ही हृदय से लगाया है। सहचरी नहीं है यहां, सहचरी के रूप में श्री प्रिया जी का निष्काम प्रेम मूर्तिमान हुआ है, साकार हुआ है। राधा पाद सरोज भक्ति अचलाम उद्वीक्ष निष्कैतवाम। सहचरी क्या है? राधा पाद सरोज भक्ति अचलाम उद्वीक्ष निष्कैतवाम प्रीतः स्वं भजतोपि निर्भर महाप्रेमणाधिकं सर्वशः आलिंगत्यथ चुंबति स्ववदनात् ताम्बूलमास्यर्पयेत् कंठे स्वाम वनमालिकामपि मम न्यस्येत् कदा मोहन। महाप्रभु कहते हैं कि कब ऐसा हो, कैसी अभिलाषा है सहचरी के मन में, वृंदावन की किसी निबिड़ निकुंज में किसी तरुलता के आश्रय में बैठी और अपनी अपनी गुरु सखी के चरणों का ध्यान करती हुई सहचरी कैसी आशा संजो रही है, किस प्रकार अपने मन चित्त को अलंकृत कर रही है सहचरी कि कब ऐसा हो कि मेरे इस हृदय में प्रिया के प्रति राधा पाद सरोज भक्ति मचलाम उद्वीक्ष निष्कैतवाम। प्रीति कैसी हो? अचल हो और निष्कपट हो। वैसे तो दो बात नहीं है, जो निष्कपट है वही अविचल है, कपट ही तो है जो मन को अस्थिर करता है। श्री ठाकुर जी के सन्मुख होकर भी आप सन्मुख नहीं हो पाते, यहां बैठकर भी मन संसार का भ्रमण करता रहता है। क्या है? मन में कपट ही तो है, मन पे कपट का कपाट लगा है, कपट ही तो है जो मन को अस्थिर करता है। तो प्रीति निष्कपट हो तभी सुस्थिर है, तभी सुदृढ़ है। तो राधा पाद सरोज भक्ति मचलाम अविचल प्रीति उद्वीक्ष निष्कई तमाम, और वो निष्कपट प्रीति का भाव कभी स्वामिनी के प्रति मेरे हृदय में प्रीतम देख लें। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज कहवे को द्वै नाम। महाप्रभु कहते श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति सोत्कंठ महन्य गृणती मुहुरा कुलाक्षी सा राधिका मई कदानु भवेत प्रसन्ना। कि कभी मैं प्रियतम के सुंदर सुंदर नामों का उच्चारण करती हूं, नाम उच्चारण में प्रियतम का करती हूं, और मुझे प्रसाद क्या मिलता है? प्रीता परिश्वजतु माम वृषभानु पुत्री, और वृषभानु नंदिनी झट से आकर मेरा आलिंगन कर लेती है। मैं कभी श्याम सुंदर कहती हूँ, कभी नागरवर कहती हूँ, कभी मनोहर कहती हूँ, कभी नटनागर कहती हूँ, और इन नामों के उच्चारण के फलस्वरूप नाम प्रियतम का लेती हूँ, और श्री प्रिया जी आकर मुझे आलिंगन दे देती हैं, और यद्यत प्रीतिरकारी तत्प्रिय जनेश्वात्यंत की तेन ने गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु। और ये जो वृंदावन में आकर मैं वृंदावन की इन कुंज गलियों में भ्रमण करती हुई, हा कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे मनोहर, हे नटनागर, हे सुंदरवर, हे मुरलीधर, हे रस सागर, ये वृंदावन की गलियों में जो मैं ये प्रियतम का नाम उच्चारण करती डोलती हूं, और जो गोविंद की कथा श्रवण में, गोविंद के कथा कथन में जो मैंने अपने अपने दिवस और याम व्यतीत किए हैं, और यद्यत प्रीति रकारी तत्प्रिय जनेश्वात्यंत की तेन में, और गोविंद के प्रिय जनों से मैंने जो प्रीति की है उसका प्रसाद मुझे क्या मिले? गोपेंद्र आत्मज जीवन प्रणयिनी नंद नंदन की
जो जीवन आधार है, नंद नंदन की जो जीवन मूर है, उपेंद्र आत्मज जीवन प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु, वो स्वामिनी मुझ पर प्रसन्न हो। हम इसी भाव पर चर्चा कर रहे हैं ना, ये प्रेम कैसा कि खाए कोई और तृप्त होए कोई और। नाम सहचरी प्रियतम का लेती है, आलिंगन प्रिया करती है, और गोविंद की कथा श्रवण, गोविंद के निज जनों से जो प्रीति मैंने की है, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, गोविंद आत्मज जीवन प्रणयनी, ये जो मैंने सब किया हो, इसका फल मुझे क्या मिले। तो यह फल मोहे मिले अगाधा, होए प्रसन्न तीन जीवन राधा। तो श्याम सुंदर की, नंद नंदन की जीवन मूर श्री राधिका मुझ पर प्रसन्न हो जाए। तो कुछ ऐसा प्राप्त हो गया है सहचरी को कि प्रिया के चरणों की निष्कपट, निष्काम, निश्चल, अविचल, सुंदर, अति सुंदर उस प्रीति का दर्शन। मैं निवेदन ये कर रहा था, कैसी आशा से संजो रही है सहचरी कि कभी ऐसा हो, ऐसी प्रीति का दर्शन प्रियतम मुझ में करें, आकर आकर मुझे अपना एक सहज सा सरस सा आलिंगन प्रदान करें, जो उनका चरवित तांबूल हो, वो उच्छिष्टामृत मुझे कभी प्रदान कर दे, और तो और कभी रीझ जाए मेरी किसी सेवा पर, और कंठे स्वाम वनमालिकाम अपि मम न्यस्येत कदा मोहन, और अपने कंठ की वनमाला कभी रीझ कर मेरे हृदय में धारण, मेरे मेरे उर प्रदेश पर धारण करा दें, कभी ऐसा प्रसाद मुझे मिले। यहाँ की भाव भावना अद्भुत है, ये रीति अद्भुत है, यहाँ की इस उपासक की रति गति मति सब विलक्षण है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, उन्हें कहना पड़ा, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, मात्र गोचरम हो, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, अन्यत्र नहीं। तीन लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाय, और ध्रुवदास तो इतना भी कह देते हैं, अगर कोई कहता हो कि कहीं और प्रीति की छटा का दर्शन हुआ है, तो ध्रुवदास कहते हैं झूठो जानो ताई, वो झूठ कहता है, वो असत्य भाषण करता है। तीन लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाय, जगमग रयो जड़ावसो एक वृंदावन माए। इसीलिए एक बड़ा गंभीर सा सूत्र प्रतिष्ठित हो जाता है, राधा चरण प्रधान होते हुए जागते सोते सपने केवल श्री प्रिया जी के चरणारविंद की छवि छटा के स्वर्ण की आशा अपने हृदय में धारण करते हुए भी महाप्रभु अगर पहला प्रणाम करते हैं तो वो वृंदावन को करते हैं, आशा यदि कभी लगाते हैं तो वृंदावन के प्राप्त होने की लगाते हैं। और कृष्णचंद्र महाप्रभु तो कहते हैं कि वृंदारण्य रसमये देही में निश्चला रतिम, वहां वृंदावन से श्री स्वामिनी की कृपा की याचना नहीं है, स्वामिनी से वृंदावन का आश्रय याचना किया गया, स्वामिनी से याचना की गई है, हे स्वामिनी वृंदारण्य रसमये देही में निश्चला रतिम, इस वृंदावन की निश्चल प्रीति मुझे प्रदान करिए। क्योंकि ये जो गुण है, ये जो युगल का जो प्रेम है, ये किसकी संपत्ति है, ये वृंदावन की संपत्ति है, और वृंदावन धनी है इस धन के, गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल, इस वृंदावन का गुण तो लाडली लाल गाते हैं, ये वृंदावन इस धन के धनी है। इसीलिए फूल जहां तहां देखिए, श्री वृंदावन माही द्रुम बेली खग सहचरी बिना फूल को ना। अच्छा, एक और बात निवेदन करूं, है तो थोड़ी अटपटी, पर व्यासपीठ को सत्य कहना ही चाहिए, सिद्धांत को कहने के लिए ही तो चर्चा है, प्रेम के लिए चर्चा नहीं है, प्रेम के लिए तो आस्वादन है, स्नेह में गोष्ठी कहां। मैंने बहुत विचार किया था जब मुझसे कहा गया था कि सेवा और उस रस विलास की ही चर्चा हो, पर रस की चर्चा संभव नहीं है, और बार बार निषेध किया गया है कि पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन में राख। रस की चर्चा के लिए तो एक सत्र में जो रस माधुरी रस वर्षण होता है रसिकों की पद पदावलियों के द्वारा, वो है, लेकिन प्रेम रस की चर्चा संभव नहीं।
और मुझे तो ऐसा भी लगता है, ये मेरा अपना निजी विचार भी हो सकता है, कि प्रेम वाणी से अभिव्यक्त होते ही किंचित उसकी गरिमा कम हो जाती है। किसी शायर ने कहा है कि निगाहे फक्र में एक फकीर की नजर में, निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, एक फकीर की नजर में एक सम्राट का ठाट क्या है, कुछ नहीं, निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है और नजर में शोक ही न हो तो फिर दिलवरी क्या है, वो प्रेम की बात क्या जो कहनी पड़े। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, इतना कहकर उपरत हुए हैं। आप देखिए वेद भगवान किसी अद्भुत मर्यादा का निर्वाह करते हैं, जब रसो वही सह रसम ये वायम लब्धानंदी भवती, वो रस है और बस ये कहकर मौन हो जाते हैं। ऐसे रसिकों ने इस रस को बिलसा है, और ये तो बाप आपका मेरा सौभाग्य है कि आपको और मुझे इतनी सुलभ हो गई रसिकों की ये भाव संपत्ति, क्योंकि हो सकता है कि जब रसिकों ने इस वाणी का उद्गलन किया हो उस समय कोई भी परिचित ना हो पाया हो इनसे, कहीं बाद में उनके चले जाने के बाद उनकी गुदड़ियों में से ये लाल निकले हैं, उनकी गुदड़ियों में से ये रत्न निकले हैं, कोई जानता भी नहीं होगा जिस समय उन्होंने ये उद्गलन किया होगा। स्वांत है सुखाए, ध्रुवदास कह रहे हैं, किस लिए कह रहा हूं, या मन के अवलंब हित किन्हों आहि उपाय। ये जो मैंने कहा है, ये जो मैंने रस विलास मैंने कहा है कहने की दृष्टता की, ये किस लिए कहा है, किसी को सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, प्रवचन उपदेश के लिए तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, हित सो जाहि चिन्हार नहीं तिन सो कर न चिन्हार, और बिन नेही रस भाजन ही रंग ना दीजे ढार। बड़ा सुंदर पकवान सिद्ध किया हो और कोई चमड़े का पात्र लेकर आ जाए तो उस चमड़े के पात्र में वो सिद्ध किया हुआ उत्तमोत्तम पकवान डाल देना उदारता नहीं मूर्खता है, वो उदारता नहीं वो मूर्खता है, मूढ़ता है। इसीलिए सिद्धांत में तो ध्रुवदास जी स्पष्ट कहते हैं, अनाधिकारी सो रस की बात न करे, और जो अनाधिकारी सो रस की चर्चा करे तो रस आपते जाए अंतर परे निस्संदेह। अब आपके मन में यह प्रश्न हो सकता है कि क्या महाराज हमको अनधिकारी समझ रहे हैं इसलिए रस की चर्चा नहीं किए आपकी, तो क्या कहूं, मैं अपने ही मन को अभी अनधिकारी समझता हूं इस रस की चर्चा के लिए, आपकी बात नहीं करता, अपने मन को अनधिकारी समझता हूं। रसकुल्याकार वर्णन करते करते कई जगह पर संकेत कर गए हैं, इस रस को प्रयास पूर्वक अपने मन से भी छिपा कर रखिए। बड़ो कुसंग शरीर निज, सबसे बड़ा कुसंग अपना मन है, सबसे सर्वाधिक जो हम संग करते हैं वो अपने मन के संकल्प विकल्पों का करते हैं, अपने मन की चित्त वृत्तियों का करते हैं, सबसे बड़ा कुसंग अपना मन है। तो वृंदावन धनी है इस धन के, वो प्रदान करते हैं, इसीलिए महाप्रभु ने प्रथम प्रणति निवेदन की है इस वृंदावन की, क्योंकि यहीं पर कोई पूछे क्यों, तो प्रेम के देश में क्यों क्या और कैसे नहीं हुआ करता, प्रेम के देश में क्यों क्या कब कैसे, इनके लिए कोई स्थान नहीं है, प्रेम की तो अपनी एक धारा है, अहेरिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत। आपको किसी से प्रेम हुआ तो आपको उसके स्वभाव के अनुकूल उसके स्वरूप के अनुरूप हो जाना पड़ेगा, यही आपका प्रेम है उसके प्रति, प्रेम किसी में परिवर्तन नहीं चाहता, प्रेम तो समर्पण युक्त चित्त से स्वयं का परिवर्तन करा देता है, वो किसी में परिवर्तन नहीं चाहता। श्री ठाकुर जी का स्वभाव है, रसिकों ने कहा कि कौन सी पाटी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, जिस पर तुम हो रीझ दे क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है, क्या खूबी हुस्न बयान करें ये सुंदर श्याम सलोना है, और किसी ने तो यहां तक भी कह दिया सांप के खाए को मंत्र लगे सकी या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्रा, इतना सब होने पर भी इतने अत्याचार हो रहे हैं, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर, और फिर भी सुबह से लेकर शाम तक खड़े हैं कहां,
सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। मेरी टूटे ना भजन लड़ी बिहारी जी मैं कब की खड़ी। फिर भी वहीं खड़े हैं कृपा की आशा लिए, क्यों? क्योंकि जे ही दुख की सम नहीं और सुख, तो सुख की गति कहे कौन। यहां तो इस दुख की समता भी त्रैलोक्य का सुख वैभव नहीं करता। प्रेम गरीबी सहज पर ध्रुवदास कहते वार डार ध्रुव सर्व। ये जो प्रेम जन्य, ये जो दारिद्र्य है, दैन्य है, दारिद्र्य अर्थात ये प्रेम गरीबी जो कहा ना, आप किसी दरिद्र व्यक्ति को देखिए, उसे दैन्य ओढ़ना नहीं पड़ता। एक दरिद्र में दैन्य सहज होता है, इसलिए इस गरीबी शब्द का प्रयोग किया। प्रथम 42 लीला के प्रथम सूत्र में तो ध्रुवदास जी एक औषधि तैयार करते हैं बड़ी सुंदर, वैद्य ज्ञान लीला में। कभी श्री जी की कृपा हुई तो बड़ा सुंदर चित्रण किया है ध्रुवदास जी ने, बड़ा मार्मिक। मन के भव के रोग की औषधि तैयार करके देते हैं, पात्र में धर कर देते हैं कि ग्रहण करिए इसे, रसायन बनाकर धर दिया है उन्होंने। बड़ी अद्भुत चित्रण उन्होंने किया है, कभी चर्चा होगी उसकी। तो वो औषधि तैयार करने के बाद कहां धरते हैं, बड़े प्रयास से उस औषधि को तैयार किया है, और उस औषधि को धरा कहां है, पात्र क्या है। मैंने पूर्व भी शायद चर्चा की कि रस को पान करने के लिए पात्र की भी आवश्यकता है, केवल आपका पात्र नहीं, जिस पात्र में धरकर रस का पान किया जाए और जो उसकी उसकी गुणवत्ता के अनुकूल अनुरूप हो। जैसे सिंगनी का दूध, उसके लिए अनुकूल पात्र है स्वर्ण का, और वो भी विशुद्ध स्वर्ण का जिसमें खोट ना हो। दोषयुक्त पात्र में सिंगनी का दूध नहीं टिकता। तो वो दिव्य औषधि तैयार करने के बाद धरते कहां है, कहते हैं भूमि गरीबी में फिर धरे। ये इतने प्रयास से, इतने परिश्रम से ये भव रोग की औषधि मैंने तैयार की है, अब इसे रखिए कहां, बोले भूमि गरीबी में फिर धरे, दैन्य विनम्रता। तो ये गरीबी शब्द क्यों प्रयोग किया, संकेत करने के लिए जैसा दैन्य एक दरिद्र व्यक्ति में सहज होता है, दीन हीन। जब ध्रुवदास कहते हैं ना सभे अंग गुणहीन हो और ताको जतन ना कोई, ये प्रेम की गरीबी है। जबकि जिसके हृदय में सतत ये युगल रस प्रवाहमान हो रहा है, जो अपने शब्दों में ऐसी सामर्थ्य रखता है कि अस्मदादि विषय वासना से ग्रस्त चित्त को भी किंचित कुछ क्षणों के लिए युगल के रूप के निकट ले जाता है। हम इस चर्चा का पाठ कथन श्रवण कर रहे हैं, यहां इस वाणी का पठन आप करते हैं। प्यारे झुकी जीवन है नवल किशोरी गोरी, तैसी भांति प्यारी झुके जीवन बिहारी है। ये पंक्ति असमय मैंने इसलिए गा दी कि मैंने एक क्षण ध्रुवदास जी की ये पंक्ति गाई और एक क्षण में मन कहां से कहां पहुंच गया। ऐसी है ललित प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, दीठ हूं न ठहरात कैसे कह निहारिए, जाकी परछाई पे कोटि कोटि चंदरू, दामिनी भामिनी काम कोटि कोटि वारिये। ऐसी है ललित प्यारी, जब ध्रुवदास कहते हैं ना ऐसी है ललित प्यारी, तो इन शब्दों में कोई ऐसी सामर्थ्य है कि अस्मदादि जिनका मन सतत विषय की वासना से ग्रस्त है,
इस कलुष से कलुषित है, ऐसे कलुषित चित्त को भी एक क्षण के लिए तो उस रूप का दर्शन करा देते हैं। जिसके पास ऐसी सामर्थ्य है वो कहता है मैं सब अंग गुणहीन हूं और ताँ को जतन ना कोई। बहुत बार साहब जीवन में दैन्य भी एक दंभ सा होता है, बहुत बार जीवन में विरक्ति भी एक दंभ हो जाती। मैं कह रहा था ना कि मैं एक अटपटी सी बात कह दूं कि मैं कई बार देखता हूं अपने ऐसे चारों तरफ, तो एक व्यक्ति उसकी उसकी वेशभूषा से, उसके हाव भाव से ऐसे लगेगा कि जैसे इससे दीन इस त्रिलोकी में कोई नहीं होगा, और उसके निकट थोड़ा सा जाइए तो अहम का ऐसा ताप लगेगा कि अब दूर दौड़ जाएंगे, फिर पुनः उसके निकट जाने का मन नहीं करेगा। बहुत बार तो ऐसा होता है कि विरक्ति में आसक्ति हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है मैंने देखा, विरक्ति में आसक्ति हो जाती है। खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, इसीलिए कम से कम मेरे आचार्य ने, मैं किसी की बात नहीं कहता, शास्त्र पुराण की चर्चा करने के लिए मैं बैठा नहीं यहां पर, इसलिए कम से कम मेरे आचार्य ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो आरंभ करता है जिस दिशा में वृषभानुनंदिनी प्रणाम है विराजमान है, मैं उसे प्रणाम करता हूं, उसके श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया, उसके चरण रेणु की वंदना करता हूं, उसे शिरोधार्य करता हूं, और फिर उसी के चरण कमलों का आश्रय लेके उन चरण कमलों के कैंकर्य की आशा से अपने चित्त को सुसज्जित कर लेता हूं। ये महाप्रभु की सीधी सीधी सी परिपाटी है। और सेवक जी कह रहे हैं सूधो चले आपने धर्म, आसक्ति विरक्ति में आसक्ति हो जाती है। दर्शन हुआ महाप्रभु के जीवन में इसका, विचार करिए जो अपने घर से अपनी गृहस्थी के भार से निवृत्त होकर चला है वृंदावन की ओर भजन करने के लिए, विवाह हो गया, संतान हो गई और सब घर गृहस्थी सुव्यवस्थित हो गई, उस कार्यभार से निवृत्त होकर जो चला है भजन करने के लिए, उसे मार्ग में इष्ट की आज्ञा प्राप्त हो जाती है कि आपको दो विवाह और करने हैं, धर दीजिए अपनी ये विरक्ति एक और, हमारी आज्ञा है। थोड़ा सा विचार करिए कि किसी के भी मन में स्फुरणा कराने वाला, संकल्प कराने वाला एक सत्य संकल्प ईश्वर है, वो महामहिम है। क्यों महाप्रभु के लिए ऐसी स्थिति की रचना की गई? आपको और मुझे संदेश देने के लिए। महाप्रभु को कोई प्रिया जी की प्राप्ति नहीं करनी है, वो तो आपको और मुझे प्राप्त कराने के लिए आए हैं, वो तो आपके और मेरे लिए मार्ग बनाने के लिए आए थे। पर उपकार देह धरणम, क्यों ऐसी स्थिति की रचना की गई? आपको और मुझे संदेश देने के लिए कि मान अपमान बहाए दिए और जिए एक गुमान प्रियाजू को चेरो। कि इस कि आग्रह है, क्योंकि जिस पथ का आप अनुसरण करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर किंचित भी आग्रह है, तिन मन कछु सकामता आई और तांते बीच अंतर परोमाई। कर लीजिए दो विवाह और लेकर जाइए राधा वल्लभ लाल को, भरी पूरी गृहस्थी लेकर महाप्रभु वृंदावन आए। कभी चिंतन करिएगा कि यहां पर अपने इष्ट की आज्ञा का पालन करने के लिए किसका त्याग किया गया है? घर का नहीं, संसार का नहीं, अपनी कीर्ति का त्याग किया गया है। करत जे अनसहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह कियो, अनसहनी निंदा हुई उस समय। एक तो रीति लोक वेद विलक्षण, मार्ग सबसे विरुद्ध, विचारधारा सब धाराओं से विपरीत, हवा की गति से विपरीत चलने वाली धारा, और उसके बाद जीवन कैसा, लोक की दृष्टि में कैसा जीवन दृष्टिगोचर हो रहा है कि एक पत्नी से मुक्त होकर आए हैं और दो पत्नियां साथ लेकर आए हैं, ऐसा जीवन। क्या त्याग किया? अपनी कीर्ति का भी त्याग करिए और तब इस पथ पर पग धरिए। इसीलिए ध्रुवदास कहते हैं बंकट घाटी नेह की और कोई बिरला उतरे पार। बंकट घाटी चढ़ के मैन तुरंग पे, मोम का घोड़ा है और जाना कहां से है? चढ़ के मैन तुरंग पे और निकसे पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाए। और फिर मैं तो कह रहा था कि मैं तो अपने आचार्य की बात कह रहा हूं कि हमारे यहां तो श्री प्रिया जी के सन्मुख आने से पूर्व
जब आप राधा वल्लभ लाल के सन्मुख जाते हैं, मैं देखता हूं कुछ लोग ऐसा भेष धरे जाते हैं कि छोटे से बालक को दिखा दो तो वो डर जाए। हमारे यहां तो ध्रुवदास आज्ञा दे रहे हैं कि तिये के तन को भाव धर और सेवा हित श्रृंगार, युगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। और वैसे भी जब उद्धव जी ब्रज में संदेश देने के लिए आए तो देखा कि सब गोपांगनाएं जब श्री कृष्ण गए थे उसके बाद से उन्होंने श्रृंगार नहीं किया, धूल धूसरित उनका वो देह, मैले कुचैले वस्त्र, और श्रृंगार किसके लिए करें। चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, अरे छलिया गया फिर बाज कहां, और ब्रजमंडल के युवराज बिना सुख का सब साज समाज कहां। अब और सुहाता नहीं कुछ भी, सखी लाग गई फिर लाज कहां, और कोई दुखिया पे दया करके बता दो री ब्रजराज कहां। तो गोपी ऐसे रहे, एक विरह के भाव का उपासक यदि इस प्रकार से रहे तो वो उसकी उसकी भाव भावना के अनुकूल है। पर हमारे यहां ऐसा नहीं है, यहां तो फूल जहां तहां देखिए, श्री वृंदावन माई। आपके जीवन में किस बात की पीड़ा है? यदि आप कहते हैं कि हम युगल के सुख में सुखी हैं, जो अपने आप को हित धर्मी कहता है, हित का धर्म तो एक ही है कि तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। यदि आप युगल के सुख में सुखी हैं, फिर आपके जीवन में अभाव कैसा है? आप कहते तो हैं पर आप हैं नहीं, आप कहते तो हैं लेकिन आप हैं नहीं। यदि होते फिर जीवन में कैसा अभाव, जीवन में कैसी अपूर्णता। क्योंकि महाप्रभु और रसिक जन तो आरंभ मंगलाचरण करते हैं, चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। श्री प्रिया जी के चरणों का जो उपासक है उसके मन में एक सहज फूलन होती है, उसके मन में एक सहज उल्लास होता है। क्यों? कैशोराद्भुत माधुरी भर धुरीणांग छवि राधिकाम, प्रेमोल्लास भराधिकाम, निर्वधि ध्यायंत ये तद्धियः, त्यक्ता कर्म भिरात्मनैव भगवत धर्मे प्यहो निर्ममा, और सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि अब मंदिर जाने से पहले एक घंटा तुम दर्पण के ही आगे खड़े रहना, ऐसा नहीं कहा मैंने। मैंने केवल आपको ऐसा कहा कि कोई भी भाव आपके जीवन में ओढ़ा हुआ ना हो। व्यास जी कह रहे हैं देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह, देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह, कुल कन्या की रीस को जो गणिका करे विवाह। प्रत्येक आचार्य का अपना एक अनुशासन है, प्रत्येक आचार्य की अपनी एक आचार संहिता है। देखा देखी भजन नहीं किया जाता, इसीलिए यदि आचार्य की परंपरा का सम्यक प्रकार से अनुसरण करना है तो फिर तापाचे रच पच करे सुंदर तिलक बने, रच पच करके सुंदर सुष्ठु रीति से अपने आचार्य की परंपरा का को धारण करिए। तभी ध्रुवदास सेवक जी कह रहे हैं कि सूधो चले आपने धर्म यत्र तत्र देखे बिना। आपका आचार्य क्या चाहता है, उसकी प्रसन्नता किसमें है, उसकी रीति क्या कहती है, उसकी गति कैसी है, उसके पद चिन्हों का अनुसरण करिए। किसी ने कहा है कि हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं, मुझे और कोई मार्ग नहीं चाहिए, मुझे आपके पद चिन्ह मिल गए हैं, मुझे अब सब ओर से दृष्टि समेटकर इन पद चिन्हों का अनुसरण करते चलना है। निकुंज निकुंज तो बाप सब करते हैं, मैं यहां पर कोई तारतम्य बिठाने नहीं बैठा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि किसी के खंडन की आवश्यकता मुझे भले ना हो, लेकिन महिमा मंडन का तो अधिकार है मुझे, अपने आचार्य की महिमा मंडन का तो मुझे अधिकार है। वाह, अब तो नाम उच्चारण करना चाहिए आपको, श्री राधा 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 राधा।
राधा 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 लाडली राधा किशोरी राधा खंडन की चेष्टा नहीं, लेकिन अपने आचार्य की महिमा मंडन करने का मुझे पूर्ण अधिकार है और हेतु भी यही है इस चर्चा का। ध्रुवदास जब कहते हैं ना बंकट घाटी नेह की, आपने कभी किसी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र की यदि यात्रा की हो तो आप देखते हैं कि बहुत लंबा चौड़ा पथ नहीं होता चलने के लिए, बस नेक से चूके और जय जय गोपीनाथ, नेक से चूके। अगर ऐसी बंकट घाटी नेह की, यहां पर बहुत अधिक संभावना नहीं है यत्र तत्र देखने की। मैं अभी अगले इसी भाव पर आऊंगा, सहचरी और किस अपने भूषण से भूषित है, तो यहां पर बहुत अधिक न तो विचार करने का समय है और न आवश्यकता। समय भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है। तो निवेदन में इतना ही करना चाह रहा था ये सब कहकर कि कोई भी भाव आपके जीवन में ओढ़ा हुआ ना हो, देखा देखी करके किसी भाव को जीवन में धारण मत करिए। और मैं तो अपने आचार्य की बात आपसे कह रहा हूं, यहां पर कोई दुख क्लेश पीड़ा है नहीं, इसीलिए कैसा रोना कैसा धोना। यहां तो संकेत कर रहे हैं आचार्य, कह रहे हैं फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माई, आपके जीवन में एक सहज प्रसन्नता हो। और सहज प्रसन्नता का अर्थ क्या है कि सेठ जी को साधु बनने की आवश्यकता ना हो और साधु के मन में सेठ जैसे वैभव की इच्छा ना हो। ये सहज प्रसन्नता है, जो प्रारब्ध आप लेकर आए हैं, जो नियति ने आपको दिया है उसे सहज स्वीकार करके बस वहीं से चल दीजिए। तात्पर्य कहने का मेरा ये है कि इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आपको पहले किसी परिस्थिति विशेष का निर्माण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां स्वपच से लेकर ब्रह्मा पर्यंत अगर किसी को इस पथ पे चलना है तो बस एक आवश्यकता है, राधा पाद सरोज भक्ति मचलाम उद्वीक्ष निष्कई तमाम। श्री प्रिया जी के चरणारविंद की निष्कपट प्रीति, उनका उनका निश्चल आश्रय हो। अरे सहज भक्ति में, शुद्ध भक्ति में, ये तो प्रेम लक्षणा है, शुद्ध भक्ति में भी अन्य आश्रय छूट जाता है। मैं तीर्थ व्रत ना करूं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा, जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुमसा ठाकुर और ना देवा। मैं अपना मन हरिसो जोरो और हरिसो जोर सबन सो तोरो, मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, और ऐसी भक्ति करे रहे दासा। तो एक तो प्रिया जी की सेवा की इच्छा, ये सहचरी के हृदय का भूषण है। युगल के मिलन की अभिलाषा, ये सहचरी का श्रृंगार है। और अनन्यता, रसना कटौ जो अन रटौ, निरख अन फुटौ नैन, इतने इतनी सुष्ठु वचनावली है। और महाप्रभु की वाणी का भी एक लक्षण है, मधुर या गिरा वल्गुवा क्या बुध मनो गया। वाणी मधुर है, वल्गु वाक्य अर्थात जो थोड़ा सा कहकर और अमित अर्थों को समाहित कर दे अपने उस थोड़े से वाक्य में, उस थोड़ी सी सुंदर सुष्ठु वचनावली में।
रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा मैं शपथ करूं तृण छिए। अच्छा, सच्चे अर्थों में युगल उपासक होते हुए भी, कल भी मैं आपसे कह रहा था कि हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने, राधाओं प्रधान मान पाछे कृष्ण ध्याइए। प्रिया जी को प्रधान मानना है और श्री ठाकुर जी को पीछे धरना है, अब इसमें क्या कठिनाई है। पर आगे कहते हैं, निपट विकट भाव होतना स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा हुए तो नेक क्यों ना पाएंगे। निपट विकट भाव, और इस भाव की विकटता यही है कि प्रिया जी प्रधान है लेकिन लाल जी गौण नहीं है। एक बड़ा सुंदर सा पक्षपात है, और वो पक्षपात भी किसके लिए, क्रीड़ा के कौतुक के लिए पक्षपात है, किसी अन्य कारण के लिए नहीं। जैसे कई बार क्या होता है, आप मान लो क्रिकेट का खेल देखते हैं, ऐसे मैंने सुना है, तो 2-5 घंटा जो वो खेल चलता है और उसके बाद अगर मैच ड्रॉ हो जाए तो आप कहते हैं अरे धत क्या हुआ, बोले ये खिलाड़ी सब आपस में मिले हुए होंगे, मैच ड्रॉ हो गया, 4-5 घंटा बेकार कर दिए। माने दोनों पक्ष अगर एक बराबर हो जाएं तो क्रीड़ा का आनंद नहीं रहता, एक विजेता हो जाए एक पराजित हो जाए, और फिर कभी जो पराजित हुआ है वो विजयी हो जाए, कभी खिलाड़ी बस खेल और कभी खेल बस खिलाड़ी, ऐसा कभी हो जाए तो क्रीड़ा का कौतुक है। तो ये जो पक्षपात है, कल हम चर्चा कर रहे थे वो बात बीच में रह गई कि बेसर कौन की अतिनी की, बेसर धारण कराई है सहचरियों ने श्रृंगार में, और कैसी एक सी बेसर, किने कि जो एक वैस एक भाव एक ही स्वभाव भाव, प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल, ऐसे युगल एक वैस एक भाव एक स्वभाव एक सरूप एक सस्वरूप, किंचित कुछ कम और किंचित कुछ अधिक नहीं, ऐसे युगल को सहचरियों ने बेसर धारण कराई है, बेसर भी एक सी है। पर अब किसी ने पूछा अच्छा कौन की अतिनी की, तो फिर न्याव पर्यो ललिता जू के आगे, कौन ललित कौन फीकी। अब भाई एक ललित तो दूसरी फीकी अपने आप हो गई, एक जीता तो माने ये अभिधा अर्थ यही है कि एक जीता माने दूसरा हरा, और यही यहां के भाव की निपटता है कि एक जीतता तो है लेकिन दूसरा हारता नहीं, क्योंकि हारे ही रस पाइए उल्टी प्रेम की चाल। लाल जी जितनी बार हारते हैं उतनी बार वो विजेता होते हैं, क्योंकि क्षेत्र प्रेम का है, खेल प्रेम का है, वो जितनी बार पराजित होते हैं वो उतनी बार विजयी होते हैं, हारे ही रस पाइए। तो न्याव पर्यो ललिता जू के आगे, कौन ललित कौन फीकी, और फिर दामोदर हित बिलग न जानो, बोले अरे दोनों एक से एक, प्राण तन मन सहज कहवे को द्वे नाम। तुलसीदास जी कह रहे बोले कहने को दो नाम है पर एक प्राण तन मन सहज, बेसर भी एक सी और सहचरियों ने एक से स्नेह से धारण कराइए। फिर अब कौन ललित और कौन फीकी, पर ललिता जी बड़ी निपुणा है, और ये जो प्रिया के चरणों का पक्षपात है, इसने तो प्रिया के आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः काम्यं पदं प्रिय गुणैरपि पिच्छमौलेह भावोत्समेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामि। इस प्रिया के चरणारविंद की इस रेणु में, इस श्रीमत पराग में कोई ऐसी पराविद्या छिपी है, निहित है प्रिया जी के चरण चरणों की रेणु में कोई ऐसी विद्या जो गोपांगनाओं ने अपने मस्तक पर शिरोधार्य रखी तो जगत गुरु भगवान भ्रमाने का प्रयास करते लेकिन गोपी फिर भूलती नहीं। भगवान ने कहा आधी रात को आ गई मेरे पास अपने बंधु बांधवों का और कुल की मर्यादा का त्याग करके, इस प्रकार किसी कुलीना नारी को, किसी सुशीला नारी को, किसी धर्मपरायणा स्त्री को अर्धरात्रि के समय पर पुरुष के पास आना शोभा नहीं देता, इस सघन वन में आ गई हो लौट जाओ। और गोपियां क्या उत्तर देती हैं कि हम जानती हैं पर पुरुष के पास नहीं परम पुरुष के पास आई, ये लोक लाज ये धर्म ये मर्यादा इन सब का सम्यक प्रकार से निर्वाह होने के बाद भी यदि कोई परम फल प्राप्त होता है तो वो आपके चरण ही तो हैं, तो वो आपके ही चरण तो हैं। गोपी ने तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज सुनाया करते थे, जब ठाकुर जी ने ऐसा कहा ना तो बोले अच्छा आप तो जगत गुरु कहते हैं तो जगत गुरु जी हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए हम लौट जाएंगे। भगवान ने कहा पूछो। तो बोले पत्नी पति से बहुत प्रेम करती हो, वैसे ऐसा होता नहीं
पर चलो मान लो करती हो और पति विदेश जाता हो तो वो बेचारी अकुलाती हो, विरह से व्याकुल होती हो, तो पति अपना एक चित्र दे जाए कि इसकी सेवा करती रहना, इसे ही इसी के रूप में मुझे अपने निकट जानना, उपस्थित जानना। और वो पत्नी भी बेचारी बड़े प्रेम से, बड़े समर्पण से उस चित्र की सेवा करती रहे। पति लौट आए तो गोपी प्रश्न करती है, पति के लौट आने के बाद पति का सेवा करना चाहिए या उस चित्र का ही सेवा करते रहना चाहिए? ठाकुर जी ने कहा, बड़ी मूर्ख हो। गोपी ने कहा, आप कह सकते हैं, हम आपसे कह नहीं सकती। हम कैसे कह दें आपसे? यही तो हम आपसे पूछ रही हैं कि पति आ जाए तो चित्र को पूजती रहे या जो पति आया है उसकी सेवा करें। तो भगवान ने कहा, बड़ी मूर्ख हो, पति की सेवा करनी चाहिए। तो बोले, सोई करने आई है यहां पर, जानती हैं पर पुरुष के पास नहीं, परम पुरुष के पास आई है। किसने दी गोपी को ये बुद्धि? कहां से आई ये प्रज्ञा? कहां से आई ये रितंभरा जहां ब्रह्मा विमोहित हुए हैं, जिनकी लीला में ब्रह्मा विमोहित हुए हैं और गोपी को मोहित नहीं कर सके श्याम सुंदर? गोपी के पास ऐसा कौन सा ज्ञान है? कहीं भी श्रीमद् भागवत में लिखा नहीं गोपी किसी विद्यालय, पाठशाला, किसी गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गई हो, ऐसा लिखा नहीं कहीं पर। गोपियों को अपढ़ गंवार, ये तो भावुक भक्तों ने कहा है, ब्रज की गंवार गोपांगनाएं, लेकिन पढ़ा लिखा किसी ने नहीं कहा। कहां से आया ये विवेक, ये वैभव बुद्धि का गोपी के पास कि गोपी ने तत्व को पहचान लिया है, गोपी ने निर्णय कर लिया है, और गोपी ने जिस तत्व का निर्णय किया है उस निर्णय को नारद आदि प्रभृति भक्त प्रणाम करते हैं। और जब भक्त का चिंतन करते हैं तो नारद जी के मन में एक ही आकार आता है, एक ही विचार आता है, यथा ब्रज गोपी का नाम। अगर भक्ति पूर्ण रूपेण कहीं पर परिलक्षित हुई है, भक्ति सम्यक प्रकार से अगर कहीं अपने पूर्ण प्रफुल्लित रूप में अगर दर्शनीय है, तो नारद जी कहते यथा ब्रज गोपी का नाम। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका, जिन्होंने तत्व का निर्णय किया है, वेद तत्व का निर्णय नहीं करता, शास्त्र पुराण की गम नहीं है, तत्व का निर्णय तो भक्त ने किया, और किस भक्त ने? यथा ब्रज गोपी का नाम। भक्ति मार्ग की मधुरा भक्ति, जहां पर आकर भक्ति के सब अंग अपने पूर्ण प्रफुल्लित रूप में विराजमान हो जाते हैं, जहां पर प्रसन्न वदना हुई है भक्ति, जहां आकर भक्ति प्रसन्न वदना हुई है, दीन व्यक्ति कैसे प्रसन्न होगा? दीन व्यक्ति वस्तु प्राप्त कर लेने के बाद भी पूर्ण रूपेण प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उसके मन में दैन्य रहता है, उसका मस्तक झुका रहता है। देने वाला दे देने के बाद भी प्रसन्न है, लेने वाला ले लेने के बाद भी पूर्ण प्रसन्न नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास में उसने दैन्यवश वस्तु पाई है। तो भक्ति जहां पर प्रसन्न वदना हुई है, भक्ति जहां पर आकर प्रसन्न हुई है, वो गोपी है, यथा ब्रज गोपी का नाम। जहां भक्ति को प्रसन्नता हुई है, आनंदित हुई है जहां पर भक्ति, वो ब्रज गोपी का नाम। कहां से आया ये रस वैभव? महाप्रभु बताते हैं, आधाय मूर्नि यदा पुरुदार गोप्य काम्यं पदं प्रिय गुणेर पिपिच्छ मौले भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तं राधिका चरण रेणुं स्मरा। ये स्वामिनी के चरणों का रस वैभव है। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था, रसिक कौन है? रज का उपासक ही रसिक है। और अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि केवल यही इसी परिधि में, अब आप कहेंगे कि अगर परिधि में समुद्र तभी वंदनीय है, समुद्र तभी रत्नाकर तभी वंद्य होता है, पूज्य होता है, जब वो अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता। समुद्र यदि मर्यादा का त्याग करे तो विनाश का हेतु होता है। ये रूप रस भाव प्रेम का समुद्र इस परिधि में ही परिलक्षित हो रहा है, उच्छलित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, और इसकी ये परिधि आवश्यक है। तभी महाप्रभु कह रहे, यद वृंदावन मात्र गोचर महो न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते। उपनिषद इसका रहस्य नहीं जानते। यद शिव शुकादी नाम तो यद ध्यानगम, और शुकदेव आदिकों के भी ये सहसा ध्यान में नहीं आता। यह प्रेमामृत माधुरी,
वो प्रेम का पीयूष, उसका माधुर्य। प्रथम दिन मैंने कहा था ना, वृंदावन में माधुर्य का ऐश्वर्य प्रकट है, और कहीं पर ऐश्वर्य का माधुर्य है, वृंदावन में या ब्रज में माधुर्य का ऐश्वर्य है। तभी रस खान कहते हैं, या लकुटी और कामरिया पे राज तिहूपुर को तज डारो, आठों सिद्धि नमो निधि को सुख नंद की गाये चराए विसारो। रस खान सदा इन आखन सो, ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारो, कोटिन हूँ कल धौत के धाम, करील की कुंजन परवा। इसीलिए रसिक अपने मन को उद्बोधन देता है, रे मन वृंदावन चल बसे, हित के लाडले राधा वल्लभ, रसिक लाडले राधा वल्लभ, रूप जाल चल फसिए। रे मन, अरे मन, आज तक तू विषय के जाल में फंसा था और कितना दुख पाया, कितना कष्ट पाया। व्यास जी कहते हैं राधा वल्लभ लाल बिन, और कल भी मैं आपसे कह रहा था ना, व्यास जी जब कहते हैं, मानो सारे वेद शास्त्र पुराण होकर उसकी साक्षी भर रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति निष्पक्ष है, वो व्यक्ति तत्वज्ञ है, वो व्यक्ति निर्णायक की भूमिका के लिए सर्वथा उपयुक्त है, इसलिए निर्णय देता है। कैसे? चरणामृत और सीथ ले कियो व्यास निर्धार। व्यास जी कहते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन मैं फिरो पातन पातन दुख। इसीलिए चरणों में लुंठित होते हैं यहां आकर कि जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। और फिर उन रसिक जनों की बलिहारी लेते हैं, व्यास बड़े हरि के जना, अरे मैं तो सोवत हुतो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, उन्होंने मुझे बुला लिया है। व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो छुड़ा दियो संसार, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। आइए दो क्षणों के लिए श्री जी का नाम उच्चारण कर लीजिए, मुझे भीतर से मार्ग मिल जाए थोड़ा आगे बढ़ने का। इस वार्ता का ये गुण धर्म है, और ध्रुवदास तो स्पष्ट कहते हैं कि मोहयो ना सुन राग धुन और बिंध्यो ना उर छवि बान, ताको ऐसे जानिए पाहन चित्र समान। इस रस चर्चा का श्रवण करके भी चित्त विगलित नहीं होवे तो ध्रुवदास कहते हैं कि राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिरमोर, और तेनर छाणे मूढ़मति खोज फिरत कछु और। तो हृदय भरा है, थोड़ा सा मार्ग मुझे मिल जाए। दो मिनट के लिए श्री जी का नाम उच्चारण कर लीजिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद अनन्यता भी कैसी विलक्षण अनन्यता। आज जहां से हम प्रविष्ट हुए चर्चा में कि स्वामिनी की कृपा पात्र जानकर प्रियतम ऐसी अद्भुत रस वृष्टि मुझ पर करते हो, लेकिन सहचरी ने विश्राम कहां पाया, स्तवैव श्री राधे पद रस विलासे मम मनः। अब मुझे लगता है कि जब सहचरी ये उद्घोषणा करती है, जब अपने मन के इस भाव का उद्घाटन कर दिया है सहचरी ने, तो उससे पूर्व जितने भी विषय भोग से लेकर ब्रह्म सुख ब्रह्म पद के सुख पर्यंत जितने भी सब वैभव हैं सबको समाहित कर लेना चाहिए, कि जब उसके लिए जब उसे श्री कृष्ण का अंग संग भी आकर्षित नहीं करता। श्री कृष्ण कौन है? कर्षयति स कृष्ण, किसी को भी आकर्षित करे जी, जिसका आविर्भाव आकर्षण के लिए है। भगवान का विग्रह कैसा है? मुनि मन मोहन। श्रीमद् भागवत में तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि सनकादिक उस ब्रह्मानंद में निमग्न तद्वत तदाकार चित्तवृत्ति से विराजमान और गमन आगमन हुआ भगवान श्रीमन वैकुंठाधिपति श्रीमन नारायण का, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु। और श्रीमन नारायण के चरण कमलों में निवेदित तुलसी की गंध नासिका के द्वारा सनकादिकों के हृदय गुहा में प्रविष्ट हुई और उन्मत्त हो गए, ब्रह्मानंद अल्प प्रतीत होने लगा उस तुलसी की गंध के सन्मुख। अंग संग नहीं पाया है, श्री चरणों में जो तुलसी पत्र निवेदन है, तुलसी मकरंद वायु, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु, वो जो तुलसी मिश्रित उस मकरंद का उस पराग का वो जो अद्भुत सुवास वो नासिका के माध्यम से हृदय हृदय विवर में जब प्रविष्ट हुआ तो ब्रह्मानंद छूट गया, अल्प प्रतीत होने लगा। ऐसा विलक्षण वैभव है भगवान के श्री अंग के माधुर्य का। और
किसके चरणों की तुलसी है? श्रीमन नारायण के। और यहां चर्चा किसकी हो रही है? रसघन मोहन मूर्ति, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह राधा वल्लभ लाल, रसिक शेखर जो नख से लेकर शिख तक श्रृंगार की ही मूर्ति, कोटि काम लावण्य मूर्ति श्याम सुंदर, उसके श्रीअंग का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। और कैसा स्पर्श? स्नेह सिक्त स्पर्श, प्रेम से युक्त स्पर्श, आह्लाद से, आह्लाद से उन्मत्त वो स्पर्श सहचरी को प्राप्त हो रहा है। और सहचरी कह रही है कि प्रियतम है इसलिए उनके दिए हुए इस प्रसाद का आदर तो करती हूं, आदर तो करती हूं, पर तवैव श्री राधे पद रस विलासे मम मनः। लेकिन उस समय भी हे स्वामिनी मेरा मन आपके युगल चरणों के रस विलास में ही रहता है। मैं शपथ खाकर कहती हूं कि उस अत्यंत उन्माद की अवस्था में भी जब मैं दृढ़ आलिंगन में बद्ध थी और प्रियतम अपना चर्वित तांबूल मेरे मुख में प्रदान कर रहे थे, वो रीझ कर मेरी किसी सेवा पर रीझ कर वो अपनी बनमाला मेरे हृदय में धारण करा रहे थे, हे स्वामिनी मैं शपथ खाकर कहती हूँ उस समय भी मेरा मन आपके ही चरण कमलों का चिंतन करता था, मैं तो आपके चरण कमलों के रस विलास में मग्न थी। इसीलिए ध्रुवदास कहते हैं सो रस कहो कहां ठहरानो सखियन के उरनैन समानो। इस रस का स्रोत, इस रस का निर्झर कहां फूटा है? सहचरी के हृदय में फूटा है। इसीलिए सखियन शरण भाव धरियावे तो या रस के स्वादे पाव, प्रथम वंदी इनके चरण सेवहुं श्यामा श्याम। जिनके जाने जानी है युगल चंद सुकुमार, जिनके जाने जानी है। और यदि मैं मेरे आचार्य की बात करूं तो उसने तो अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है कहां? जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो और यह जिए जान। महाप्रभु कहते हैं कि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, जैसे कबीर कहते हैं ना कि मेरी बात को यूं ही मत सुनना, तू कहता पोथिन की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी, मैं जो कह रहा हूं मैं वो आंखों देखी बात कह रहा हूं। ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं यह जिए जान, आपको और मुझे चेताने के लिए, आपको और मुझे जगाने के लिए, आपको और मुझे सिखाने के लिए यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। इसलिए मैंने अपना सर्वात्म समर्पण कर दिया है कहां? जिनके ही ये बसत रहे श्री राधा वल्लभ लाल, तीन की पद रज धोए ध्रुव पीवत रहो सब काल बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। और ऐसी अनन्यता, और जब बात अनन्यता की हो तो मुझे लगता है कि इस विषय को बहुत विस्तार की अपेक्षा है। जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन कर रहा था कि कोई भी भाव आपके जीवन में दंभ ना हो, अर्थात कोई भी भाव केवल आत्म प्रतिष्ठा के लिए ना हो, कोई भी भाव आत्म श्लाघा के लिए ना हो, और कोई भी भाव पर दर्शन के लिए ना हो, जीवन में कोई भी भाव आत्मदर्शन के लिए हो। इसलिए कल मैंने एक बड़ा विनम्र सा निवेदन किया था कि अपने मन बुद्धि से श्यामा श्याम के रूप का विचार करें, कल्पना करें, अपने मन बुद्धि का आश्रय लेके श्यामा श्याम के रूप का विचार करें, उससे उत्तम है श्यामा श्याम के पद कमलों का आश्रय लेके अपने सहचरी स्वरूप का विचार करें। प्रथम ही भावुक भाव विचारे, भूषण बसन प्रसाद स्वामिनी पुलक पुलक अंग धारे, पुलक पुलक अंग धारे।
आज जहां से प्रविष्ट हुए हम चर्चा में, कि मन जो विचार परो रहे, कि मन विचार करता रहे, सतत विचारशील रहे मन, मन जो विचार परो रहे, चित्त रमीले रूप। पर मेरे पास में मन है ये तो सब जानते हैं, मन के साथ चित्त भी है, फिर बुद्धि भी है, फिर सूक्ष्म अहम भी कहीं कोई मेरा है। कितने लोग परिचित हैं उससे? कभी स्वयं के निकट जाने का प्रयास किया हो तो अपने आत्म स्वरूप से परिचय हो। देखो जो ये शब्द है ना, बड़ा सुंदर और बड़ा बोधकारक शब्द है स्वस्थ। जब हम कहते हैं ना आप स्वस्थ हैं, आप कहते हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं। स्वस्थ होना अच्छी बात तो है, लेकिन कैसा स्वस्थ? जो अपने स्व में स्थित हो, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो, जो आसक्त है इस युगल के रूप में। और वो आसक्ति कब संभव है, ये अनन्यता कब संभव है? मैं इस विषय की बात कर रहा हूं, ये अनन्यता कब संभव है? ध्रुवदास जी कह रहे हैं, मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। एक बेल ऐसी भी होती है जिस पर फल पहले आता है, फूल बाद में आता है। एक बेल ऐसी भी होती है, प्राय तो प्रकृति का नियम है, पहले फूल आता है फिर फल आता है, लेकिन एक बेली ऐसी भी है जिस पर फल पहले आता है फूल बाद में आता है, वो प्रेम की बेल है। ये भाव की बेल ऐसी है, इसमें फल पहले आता है फूल बाद में आता है। सो कैसे? आप विचार करें, जब आप श्री धाम इस वृंदावन धाम में आते हैं तो राधा वल्लभ लाल का दर्शन, राधा वल्लभ लाल का प्रसाद, वो चरणामृत, वो उनका उनका मधुर उच्छिष्टामृत, यहाँ रसिकों के मुख से निर्झरित उनका उनका वो लीला विलास, उनका वो लीला गान, ये सब आपको पहले उपलब्ध होता है। ये तो फल है, श्री जी का दर्शन हो रहा है ये फल है। वृंदावन की धूर क्या है? बोले व्यास भक्ति को फल लयो, ये भक्ति का फल है। ये जो आप पा रहे हैं ये प्रयास नहीं, ये तो आप भक्ति का फल है। सब प्रकार की उपासनाओं के बाद जो परिपाक होता है वो ये है जो आप पा रहे हैं। अब इसे प्राप्त कर लेने के बाद फिर इसे जीवन में स्थिर रखने के लिए साधन है। तो ये प्रेम के भाव की बेल ऐसी है जिसमें फल पहले आता है और फूल बाद में आता है, पुष्प बाद में आएगा। अब करिए। और वैसे भी ध्रुवदास कहते हैं कि संसार छूटे और रस आवे, ये ज्ञान के मार्ग पर होता है। यहां संकल्प है, यहां यम है, नियम है, आसन है, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, और वो सब कर लेने के बाद फिर समाधि। तो संसार छूटे और रसानुभूति हो, ये ज्ञान का मार्ग है। और संसार भी नहीं मिले, रस भी नहीं मिले, इत व्यवहार न उत परमारथ बीच ही बीच जो जन्म गमायो, ये कर्म का मार्ग है। कोई बहुत कर्म योगी हो तो ये कर्म का मार्ग है, इत व्यवहार न उत परमारथ बीच ही बीच जो जन्म गमायो, वहां पर कुछ भी नहीं मिले और रस मिले और फिर संसार छूटे, ये प्रिया जी की कृपा का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। ध्रुवदास जी ने कहा, रसबल छूटे जो विषय रस तब पावे विश्राम, और तन छाड़े मन गही रहे तो मेरे दोनों दुख तहां हुई। बड़े रीझ तो गए आप किसी के रूप पर, उसने भी रज लपेटी थी आपने भी लपेट ली, उसने भी छोटी सी लंगोटी पहनी थी आपने भी पहन ली, आप बड़े रीझ गए उस। और इसमें आकर्षण सहज है, मैं बताता हूं कैसा आकर्षण है। जब रजोगुण के कारण, जब रजोगुण के बाहुल्य के कारण, और जो उस रजोगुण का प्रभाव क्या है, उस रजोगुण का प्रभाव है भगवत विमुखता। रजोगुण जीवन में विकार लाता है, धीरे धीरे आपकी मन चित्त आपकी आपकी जो वृत्ति विकृत होती चली जाती है। जैसे जैसे आपके जीवन में रजोगुण बढ़ेगा, श्री ठाकुर जी से विमुख कर देता है। तभी तो रसिकों ने कहा, रज छाणे रज पाइए, रज पाए रज जाए, एक प्रकार का ताप। और जैसे जैसे जीव भगवान से विमुख होता जाएगा, तैसे तैसे उसके जीवन में आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीनों प्रकार के ताप बढ़ते चले जाएंगे। उतना ताप है जीवन में जितने आप प्रभु से दूर हैं। जेठ के महीने में भी गंगा किनारे जाकर बैठिए, मत स्नान करिए,
केवल गंगा जी की धारा के निकट जाकर बैठ जाइए, जेठ के महीने में भी जब वृष राशि के सूर्य तपते हो, लेकिन तब भी किनारे बैठने वाले को भी वो जो बहती बयार होती है ना, वो गंगा बहते हुए गंगा के जल से कुछ सीकर लाकर दे देती है, किनारे बैठने वाला भी शीतलता पाता है। और दूर होते चले जाइए उस तट से, उतना उतना ताप बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही आप जीवन में जितने जितने श्री ठाकुर जी से दूर होते चले जाइए, उतना उतना जीवन में ताप बढ़ता चला जाएगा। और रजोगुण ये श्री ठाकुर जी से दूर विमुखता लाता है जीवन में, ये आपके चित्त की वृत्ति को विकृत करता है। और उस ताप के कारण जब आप किसी सतोगुण प्रधान व्यक्ति को देखते हैं तो आपके मन में एक सहज आकर्षण होता है, मन चित्त आकर्षित होता है। मैं तो पूर्व भी आपसे कई बार चर्चा की कि कभी आपने विचार किया है कि मैं आपसे कहता हूं आप गाइए और आप गाने लगते हैं, क्या केवल ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। और मेरे कहने से आप गा भी लें, मेरी बात को आदर देने के लिए आप गा भी लें, इतना तो आप कर सकते हैं, लेकिन गाने से आपको आनंद की भी अनुभूति होने लगे, ये ना मैं कर सकता हूं ना आप कर सकते हैं। आपको आनंद की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि जिसका नाम आप ले रहे हैं ना, उसका आपसे भी उतना ही संबंध है जितना मुझसे या किसी और से। ये बात आपके जीवन में उस संबंध की प्रतिष्ठा करती है। आप क्यों अपना घर संसार छोड़कर यहां सुनने के लिए आए हैं? क्योंकि इस वार्ता को श्रवण करके आपकी आत्मा को सुखानुभूति होती है। और चिंतन करिए क्यों सुखानुभूति होती है। आपको मैं यहां पर बैठकर बताने लगूं अमेरिका में अमुक व्यक्ति के पास में इतना धन है, इतनी संपत्ति है, उसके पास इतना बंगला, इतना गाड़ी, आप कहेंगे अरे महाराज क्या कह रहे हो, हमको क्या लेना देना है उससे, हमें क्यों सुनाते हैं, हमें क्या लेना देना है। और कहीं किसी देश में भूकंप आए और पूरा का पूरा नगर नष्ट हो जाए, आपके मन में कोई दुख नहीं है, हो गया होगा, क्योंकि आपका कोई संबंध नहीं है। सुख और दुख की अनुभूति संबंध से है। श्री प्रियालाल की लीला का श्रवण करके, इस नाम का उच्चारण करके आपको आनंदानुभूति होती है। क्यों? क्योंकि आपका उनसे संबंध है, इसीलिए होती है। विस्मृत हो गया है संबंध, भूल गया है। और ये चर्चा और वार्ता किस लिए है? गौरांग महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, इस मन के मुकुर पर, इस चित्त के दर्पण पर धूल जम गई है, इसीलिए प्रतिबिंबित नहीं होता श्री ठाकुर जी का रूप। अन्यथा राधा वल्लभ लाल सन्मुख हो, और ध्रुवदास तो कहते हैं कि यहां मुझे तो वृंदावन का दर्शन करते ही गद गद सुर नैना सजल दंपति रस रहे ली इही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन ली नील पीत अंचल झलक नैनन चल झलक नैनन में रहो नीत जावक जुत जावक जुत नख चरण जुग सदा वसो ध्रुव चित अति सुकुमारी लाडली पिय
किशोर सुकुमार एक छत प्रेम छके रहे अद्भुत प्रेम बिहार। और वस्तुतः ये चर्चा ये वार्ता इसीलिए है, मैं तो बड़े विश्वास से और बड़ी विनम्रता से ये निवेदन करता हूं कि ये कोई उद्यम, ये कोई पुरुषार्थ, ये कोई अनुष्ठान, ये कोई संकल्प, ये कोई यज्ञ भी नहीं है। ये युगल की ये रस चर्चा ये कोई कथा कहानी नहीं है। सुन ध्रुव प्रेम अकथ कथारी, कथा तो कहने योग्य बात की कही जाती है, ये तो आस्वाद्य विषय है। तो ये कोई कथा कहानी नहीं है, कोई उद्यम नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, और ये अपने मन को लगाने का कोई विकल्प भी नहीं है, ये तो सीधा सीधा ध्रुवदास कहते ना, एक लाडली लाल की शक्ति ही लेत बनाए, एक लाडली लाल की शक्ति ही लेत बनाए, ये तो सीधा सीधा शक्तिपात है मन का कपट कपाट खोलने के लिए। प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए, कभी एक द्वार जो बंद पड़ा हो वर्षों से, तो क्या होता है उसमें एक जड़ता आ जाती है, उसे खोलने के लिए एक प्रयास करना पड़ता है, एक बल अपेक्षित है, जन्मों से पड़े बंद एक द्वार को खोलने के लिए एक जड़ता आती है, एक रुक्षता आ जाती है, उसमें बल प्रयोग करना पड़ता है उसे खोलने के लिए। 20-50 बरस आप एक ताला नहीं खोलिए तो उसकी ताली और वो ताला वो जंग खा जाएगा, नहीं खुलेगा, तोड़ना पड़ेगा उसे। ऐसे ही मन पर ये कपट का कपाट जन्मों से लगाए, एक लाडली लाल की शक्ति ही लेत बनाई, ये जो वार्ता है ये सीधा सीधा ये युगल का किया हुआ शक्तिपात है मन पर लगे उस कपट कपाट को खोलने के लिए। क्योंकि हित ध्रुव ये रस लेन को ना ही नहान उपाय, तो प्रेम दरीचे जो कबहूं सहज कृपा खुल जाए, ये तो कृपा का शक्तिपात है आपके और मेरे मन के कपाट खोलने के लिए, कि वो कपाट खुलते ही नील पीत अंचल झलक नैनन में रहो नीत, जावक जुत जुग चरण जुग सदा बसो ध्रुव चीत, चलत रहो दिन रैन प्रेम वारी धारा नयन, जाग्रत अरु सुख सैन चिते चिते विवि कुमर छवि। एकमात्र आश्रय, एकमात्र अवलंब, भरोसो दृढ़ चरणन को की जय, दृढ़ चरणन को की जय, दृढ़ चरणन को की जय। और वस्तुतः ये श्री स्वामिनी के पद पद्मों से झरने वाले, इसीलिए आप और मैं विभ्रमित रहते हैं। ये जो पथ है ना भजन का, कबीर कहते हैं कबीरा मार्ग प्रेम को निपट सिलसिली गैल, ये मार्ग बहुत सिलसिला है, और कठिन जो चलत पिपीलिका, पिपीलिका माने चीटी, बोले कठिन जो चलत पिपीलिका और लोग लगावे बैल। बोले आप तो अपने कंधों पे पाने संसार की कौन कौन सी भावना, कौन कौन सी कामना लेकर वृंदावन आते हैं, जबकि महाप्रभु ने वृंदावन के सेवन की, देखो औषधि कितनी भी उत्तम क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके सेवन की रीति न जानते हो आप,
वैद्य से कल्याण होता है या औषधि से कल्याण होता है? ये दोनों बानक बनते हैं तो कल्याण होता है, लेकिन जो उसमें मुख्य गुण है धर्म औषधि का, गुण वैद्य का, ठीक वृंदावन जो है ये तो निश्चित रूप से वृंदावन का वास, इसका सेवन, ये तो निश्चित रूप से जन्म जन्मांतरों के उस क्लिष्ट भव रोग की औषध है, लेकिन इस औषधि के सेवन की एक विधि है। और औषधि के साथ साथ में कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ पथ्य होता है और कुछ कुपथ्य होता है। पथ्य न लिया जाए औषधि कार्य करेगी, कुपथ्य लिया जाए औषधि कार्य नहीं करेगी। पथ्य न भी लिया जाए तो भी औषधि का परिणाम आएगा, देर से आएगा, थोड़ा विलंब हो जाएगा, लेकिन आएगा। लेकिन पथ्य भी किया जाए, औषधि भी ली जाए, संग में कुपथ्य भी किया जाए, तो अंत में प्राणों की हानि निश्चित है। ठीक इसी प्रकार इस वृंदावन धाम, इस वृंदावन धाम के वास रूपी इस औषध के सेवन की भी एक विधि है। और वो विधि क्या है? महाप्रभु कह रहे वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूरात वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेत। कैसे आ वृंदावन में? वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूरात। महाप्रभु ने नहीं कहा कि अपनी सारी संपत्ति साथ हमारे लिए लेकर आना, ना। वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूरात, किसी अन्य साधन का अभिमान लेकर यहां पर मत आइए। आपके मन में, आपके चित्त में किसी अन्य साधन के प्रति आदर ना हो, वो कृपा के प्रकाश होने में बाधक होगा। वो ये जो अन्य आश्रय है, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते, बोले भक्ति में एक बहुत बड़ी बाधा है जो भक्ति को व्यभिचारिणी कर देती है, जो भक्ति को कामिनी कर देती है, जो भक्ति को योगिनी नहीं रहने देती। भक्ति तो निरोध रूपत्वात्, भक्ति में एक बहुत बड़ी बाधा है अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी अन्य का आश्रय, ये भजन के मार्ग की बहुत बड़ी बाधा है। और ध्रुवदास जी ने तो कहा है कि जो घरनी हो अति बुरी, पर पति नहीं छाणतता है, क्रूरा हो, दुर्वचन कहने वाली हो, भोजन बनाना भी नहीं आता हो, क्लेशिनी हो, जो घरनी हो अति बुरी, माने अति बुरी, पति नहीं छाणतता है, लेकिन पति त्याग नहीं करता, पर देखत ही पर पुरुषतन, और किसी अन्य पुरुष की ओर देखे, पर पुरुष की ओर देखे, ये पति को स्वीकार नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही श्री राधाकांत हैं, अन्य आश्रय प्रभु को स्वीकार नहीं, ये भक्ति को व्यभिचारी करता है, भक्ति व्यभिचारिणी हो जाती है। और जबकि उत्तमा भक्ति कैसी है? अन्य अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येण कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, किसी अन्य का आश्रय ना हो। तो वृंदावन का वास कब हो? वृंदावन में रहना एक बात है और वृंदावन में बसना दूसरी बात है। और वृंदावन में जीना सरल है, वृंदावन में मरना सरल नहीं है। ऐसा होता है, अभी तक होते ही आ रहा है, बहुत से उदाहरण तो हमने देख लिए, जीवन भर वृंदावन का वास किया लेकिन प्राण निकलते हैं वो दिल्ली बंबई के किसी अस्पताल में जाकर, अंत समय वृंदावन ठेल देता है बाहर, वृंदावन का विश्राम नहीं मिलता। वृंदावन में जीना आपके मेरे हाथ में हो सकता है, वृंदावन में मरना आपके मेरे हाथ में नहीं है। वृंदावन का विश्राम नहीं मिलता, और जब वृंदावन का विश्राम नहीं मिलता तब मुझे अपने रसिकों की बात याद आ जाती है, जिनके श्री हरिवंश सहायक तेई सजन भजन अधिकारी वृंदावन घन बसी वे लायक। वृंदावन से वो जो निश्चल प्रीति है, वृंदारण्य रसमये देहि वे निश्चला रतिम, वृंदावनेश्वरी से याचना की है रसिकों ने, और कलम तोड़ बात लिखते हैं कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई। कभी ऐसा भी समय आया कि राधा वल्लभ जी को कामबन विराजमान होना पड़ा, बिहारी जी भरतपुर चले गए, इस वृंदावन की इस निभृत निकुंज वन की सीमा का परित्याग प्रभु ने किया है। पर रसिक क्या कहता है? जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई, तो हूं ना जाऊं यह साची मन मानी को, रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। अद्भुत प्रीति, निश्चल निष्काम प्रीति वृंदावन धाम से जुड़ी है। अन्य का आश्रय, इस वृंदावन के सेवन की विधि क्या है कि दुराद पास से स्वजनान सुखमर्त कोटिम, और केवल इतना नहीं, सर्वेशु साधन वरेशु चिरम निराश है।
जो अन्य श्रेष्ठ साधन है, जब तप, योग, यज्ञ, व्रत, पूजा, तीर्थ, दान, धर्म, संयम, विवेक, अंतःकरण चतुष्टय कि वो निर्मलता, बोले हमारे पास में कुछ नहीं है। अरे सूरदास तो कहते हैं कि अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, पे सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। अच्छा, ठाकुर जी का भजन करने वाले को इतना तो करना पड़ता है, हरि नाम तो लेना पड़ता है, पर हमारी प्रिया जी का स्वभाव और विलक्षण है। जैसे ठाकुर जी का रूप कैसा है कि जो देखे उसे आनंद होता है, उसे उन्माद होता है, और हमारी प्रिया जी का रूप कैसा है, जो वाको देखे है जाई सौ रूपवंत है जाई। ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि कृष्ण को देखने वाला और कृष्ण सा सुंदर हो जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारी प्रिया जी का रूप कैसा है, जो वाको देखे है जाई सौ रूपवंत हो जाई। और इसका प्रमाण हमने पहले दिन चर्चा में इसी की चर्चा की थी कि जब सखी कहती है कि दुकुलम विभ्राणामत कुछ तटे कंचुक पटम प्रसादम स्वामिन्याम स्वकरतल दत्तम प्रणयतः कुछ तटे कंचुक पटम, कि सहचरी को कंचुकी प्रसाद मिली है, केवल ओढ़नी नहीं, केवल उत्तरीय वस्त्र नहीं, कंचुकी भी प्रसाद मिली है वो धारण करके, अर्थात स्वामिनी रूप, सहचरी रूप में बिल्कुल स्वामिनी सरीखी है, प्रिया ने अपना सा कर दिया है। प्रसादम स्वामिन्याम स्वकरतल दत्तम प्रणयते, और क्या प्रसाद मिला है, दुकुलम, उनका वो प्रसादी दुकुल जिस पर काजल और पान की पीक के चिन्ह लगे हैं, वो प्रसादी दुकुल मुझे मिला है, दुकुलम विभ्राणामत आज मुझे भी मिला है। और महाराज कह रहे हैं आप भूल मत जाना, आप चाहो तो आपको 365 दिन मिल सकता है। दुकुलम विभ्राणामत कुछ तटे कंचुक पटम, पहली बात कहते हैं वहां प्रभु कि प्रिया जी की कंचुकी भी प्रसाद स्वरूप मिली है मुझे, और सखी ने धारण कर ली कंचुकी, क्यों, क्योंकि वो आकार में स्वरूप में बिल्कुल स्वामिनी सरीखी है। तो जो वाको देखे है जाई सौ रूपवंत है जाई, तो ऐसे ही जो जो कृष्ण के आश्रित हैं उनको तो भजन करना पड़ेगा भाई, वो 16 माला 64 माला उन तुमको तो करना पड़ेगा, ये भी ध्यान करना पड़ेगा कि सुमेरु नहीं चला जाए। अच्छा, ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई, जब पूछते ना बोले महाराज सुमेरु नहीं लांघना चाहिए, तो हमारे हिज्जी महाराज तो कहते हैं ये जो एक मन और बहुत ठौर करी कहो कौने सच उपायो, मन एक है, उस एक मन से या तो आप विधि और निषेध का चिंतन कर लीजिए और या श्री ठाकुर जी के रूप का चिंतन कर लीजिए। मैं आपको व्यासपीठ से कह रहा हूं, अपराध लगेगा तो मुझे लगेगा, आपको नहीं लगेगा, इस बात की चिंता न करिएगा। और मैं तो कहूंगा कि जब राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी का ध्यान करते करते कब सुमेरु चला गया आपको पता भी नहीं चला, तभी समझना आज पहली बार माला ठीक से हुई है, आज वस्तुतः माला हुई है। माला किसके लिए, स्मरण के लिए माला है, माला के लिए स्मरण नहीं है, स्मरण के लिए माला है, माला साधन है, स्मरण सिद्धि है, और साधन सिद्धि तक आरोहण कराने के लिए है, साधन केवल साधन के चिंतन के लिए नहीं है, साधन साध्य की सिद्धि के लिए है, केवल साधन के चिंतन के लिए नहीं। आप राधा वल्लभ जी के मंदिर का मार्ग नहीं जानते, आपने रास्ते में मुझसे पूछा मार्ग क्या है, मैंने आपको संकेत कर दिया, और मैंने आपको संकेत कर दिया, और मेरी उदारता के लिए आप इतना ही करिए कि मुझे धन्यवाद दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ये नहीं कि मंदिर जाना तो भूल ही जाइए और मेरी ही आरती पूजा करने लगिए, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। आपने मुझसे मार्ग पूछा, मैंने आपको संकेत किया, मुझे धन्यवाद दीजिए और मंदिर पहुंच जाइए। माला हाथ में लिए किस लिए, स्मरण के लिए, माला साधन के चिंतन के लिए नहीं, साध्य की सिद्धि के लिए है, उसके रूप के चिंतन के लिए है। और कल भी मैंने कहा था, मैं कोई शास्त्र से विमुख होकर नहीं कह रहा, ये जितने भी विधि और निषेध हैं ये सकाम अनुष्ठान के लिए है। जब आप किसी कामना से युक्त चित्त से भजन करते हैं, नियत संख्या में आप नाम जप करते हैं क्योंकि आपको कामना है, और चाहे वो कामना भुक्ति की हो, चाहे वो कामना मुक्ति की हो, चाहे वो कामना आपके अपने कल्याण की हो, कम से कम इस प्रेम देश में, इस सूक्ष्म देश में इसका प्रवेश नहीं है।
यहाँ इतना स्थान नहीं है, यहाँ इतनी संभावना नहीं है, ये तो प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाए। अच्छा, तीन लक्षण हैं इस प्रेम के मार्ग के। एक तो गली अति सांकरी है और सीधी है बिल्कुल। विचार कल्पना करो अपने मन में एक मार्ग जो अति संकरा हो, जिसमें दो व्यक्ति न चल सकते हो, और फिर बिल्कुल सीधा हो, अर्थात इधर उधर होने की भी संभावना न हो। इधर उधर हुए तो ठोकर लगेगी, या फिर जैसे बंकट घाटी हो, इधर उधर हुए तो इधर कुआं है और इधर खाई है, पतन हो जाएगा। प्रेम का मार्ग अति सुधा, निपट सांकरी और फिर निपट सिलसिली, ये तीन लक्षण है प्रेम के मार्ग के। ये मार्ग कैसा है? अति सीधा, अति संकरा और अति सिलसिला। सीधा भी, संकरा भी, सिलसिला भी। इसीलिए महाप्रभु ने कहा इस गली में आइए पर संभल कर आइए, शीश काटे भूई धरे और तापे राखे पाम। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है, हर साज पे गाया नहीं जाता। प्रीत प्रीत सब कोई कहे पे कठिन तासु की रीत, आदि अंत निव है नहीं और बारू की सी भीत। रेत की दीवार जैसा है ये, रेत का महल खड़ा करना सरल है पर प्रीति का निर्वाह कठिन है। ध्रुवदास जी कहते इस संसार में अगर कुछ दुर्लभ है तो फिर वो क्या है? बोले नेहि दुर्लभ पावनो, और सुलभ सब आए। बोले सब सुलभ है यहां, सकल पदार्थ या जग माही, सब कुछ है यहां पाने के लिए, अगर कुछ दुर्लभ है बोले नेहि दुर्लभ पावनो, एक स्नेही चित्त दुर्लभ है, वो नहीं मिलेगा। तो वृंदावन के वास की विधि है कि किसी अन्य साधन का आपको आश्रय ना हो, विधि निषेध की चिंता ना हो, यहां तो मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। तो मैं ये कह रहा था कि अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। तो कृष्णाश्रित जो हो वो तो नाम जपता रहे, लेकिन यहां कह रहे हैं काहू के बल भजन को और काहू को आचार, व्यास भरोसे कुमरी के और सोवत पांव पसा। अच्छा, अब इसके साथ साथ फिर मुझे ये भी कहना पड़ेगा, जैसे पहले क्या हुआ महाराज, एक बार यहीं पर कथा पहले जब हॉल में हो रही थी तो मैं ये कह रहा था कि वृंदावन ते अनत ही अधिक भजन जो होए, इही सम नहीं पूजत तउ वृंदावन रहे सोए। तो एक सज्जन आए थे, पूछा मैंने कथा, बोले आनंद रहा, बहुत आनंद रहा। अच्छा, ये हमको एक रोग होता है, हम यहाँ से जाएं और कुछ देर कोई हमसे नहीं कहे ना बहुत आनंद आया, फिर हम पूछते हैं अच्छा रहा ना, बढ़िया रहा है ना, बहुत अच्छा है, ऐसा सुनने का मन करता है हमारा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। कोई नहीं कहा तो फिर हम ही कह देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। तो हमने पूछ लिया, बढ़िया रही ना आज, आनंद आया? बोले हाँ बहुत आनंद आया। फिर क्या क्या सिद्धांत सूत्र क्या पकड़ा? बोले वृंदावन आओ तो पैर पसार कर सो, यही भजन है, खूब सो यहां पर, यहां सोने की बड़ी भारी महिमा है। तो मैंने कहा गलती मेरी है कि मैंने आधा ही सूत्र कहा, मैंने केवल इतना कहा कि और देश में बसत ही अधिक भजन जो होए, इही सम नहीं पूजत तो वृंदावन रहे सोए। लेकिन आगे कुछ और भी कहा है ध्रुवदास जी ने कि बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान कि युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। व्यास जी ने पांव पसार के सोने की बात बाद में कही है, पहले कहा है व्यास भरोसे कुंवरी के, पहले प्रिया के चरणों का वो निष्कपट विश्वास, वो राधा पाद सरोज भक्तिम अचलाम उद्वीक्ष निष्कैतवा, वो प्रिया के चरणों की निष्कपट प्रीति, वो निश्चल प्रीति, वो सुदृढ़ विश्वास, जो हाथ में विष का प्याला होने पर भी मुस्कुराता रहे। जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई तो हूं ना जाऊं। अरे आप पूछते हैं कि आपके यहां पर कोई व्रत नहीं होता? अभी कल परसों का भी हमने बहुत लोगों का व्रत छुड़ा दिया। बोले आपके यहां पर कोई व्रत नहीं होता? अरे महाराज एकादशी भी नहीं होती यहां पर? एकादशी होती है, थोड़ी अलग होती है। कैसी एकादशी है यहां? एक दशा हो रहे सजनी, उरत है लाल गुलाल,
सुध न परत को सहचरी कोलल ना कोलाल हमारो राधा वल्लभ लाल लाडलो राधा वल्लभ लाल। हमारे यहाँ व्रत की विधि थोड़ी सी भिन्न है, यहाँ व्रत लिया तो जाता है लेकिन पारण के लिए नहीं। आप मुझे यहाँ विद्वान लोग भी बैठे हैं, भावुक लोग भी बैठे हैं, आप मुझे शास्त्र में वर्णित एक भी व्रत ऐसा बता दीजिए जो पारण के लिए ना लिया जाता हो या जिसके बाद पारण ना किया जाता हो। और कुछ कई कई बार तो शास्त्र इतना कठोर हो जाता है कि दो दिन तक तो व्रत किया, दशमी को शुरू किया, द्वादशी की सुबह तक व्रत किया और पारण का समय चूक गए तो शास्त्र कहते हैं तुम्हें फल नहीं मिलेगा, जाओ। इतना कठोर हो जाता है शास्त्र। तो कौन सा ऐसा व्रत है जो मुक्त होने के लिए, जो पारण के लिए न किया जाता हो? हमारे यहाँ व्रत तो है लेकिन हमारे यहाँ व्रत पारण करने के लिए नहीं, जन्म जन्म निर्वाह करने के लिए लिया जाता है। रसना कटों जो अनरटों, निरख अनफुटों नैन, श्रवण फुटों जो अनसुनो बिन राधा यश बहन, ऐसा व्रत लिया जाता है यहाँ। धोखे हूँ दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख काड हलाहल बोरो, बावरिये अखियां जर जाए, जो सांवरो छाड़ निहारे। यहां तो प्रेमी हृदय कैसा व्रत लेता है, इंद्री शिथिल भई के सब बिन, जो देही बिन शीस रे उधो, सुर हमारे नंद नदन बिन, और नहीं जग दिस रे उधो, और नहीं जग दिस रे उधो, मन ना भये दस बीस। यहाँ तो ये व्रत है कि धोखे हूं दूसरो नाम कढ़े, तो रसना मुख काढ़ हलाहल बोरों, और बांवरी ये अखियां जर जाएं। सांवरो छाड़ निहारे औरों। एक सौभाग्यवती स्त्री जब अपना श्रृंगार करती है तो श्रृंगार पूर्ण कब माना जाता है? जब वो अपने माथे के बीच में अपने पति के नाम का कुमकुम लगाती है। उसके बिना श्रृंगार अपूर्ण है, उसके बिना वो लक्षण सधवा का लक्षण नहीं है। श्रृंगार तो कोई भी करता है लेकिन सौभाग्यवती स्त्री का श्रृंगार पूर्ण होता है माथे की कुमकुम से। तो ऐसे सहचरी का जो श्रृंगार है उसमें जो ये प्रिया के चरणों की अनन्यता है, ये उसके मस्तक का कुमकुम है। इसी भाव की चर्चा, यही भाव का विस्तार कल करेंगे। आज के भाव को यहीं श्री प्रिया जी के श्री चरणों की स्मृति के साथ युगल चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं। श्री राधा वल्लभ लाल की। वाह, एक बार और बोल दीजिए। मंदिर में अधिकारी जी बैठे हुए हैं, वहां तक सुनाई आए, कहे हाँ की ठीक बात है। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री हितलत लाडली लालजू महाराज की। माँ प्रभु हितरिवंद चंद जू महाराज की। श्री सेवक जू महाराज की। आचार्य चरण की। हित कृपा मूर्ति स्वामी श्री दास जी महाराज की। उनके पावन जयंती महामहोत्सव की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे सिहारि वंश। परम पूज्य, परम सद्य आचार्य चरण श्री राधा वल्लभ संप्रदायाचार प्रातः स्मरणी श्री गोस्वामी श्री राधेश लाल जी महाराज के सुपुत्र परम सद्य श्री गोविंद लाल जी महाराज और राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री
पूज्य महाराज श्री श्री राधे लालजी महाराज के अनुज श्री मुकुट लाल जी के सुपुत्र उदित मणि जी महाराज इन मंच पर बैठे समासी सभी संत विद्वज्जन और कथा का जो पान करा रहे हैं हमारे परम प्रेमी श्री हित अमरीश जी महाराज और समुपस्थित सभी रसिक प्रेमियों, इन सभी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकारो। एक व्यथा मंदिर मन में रहती थी। एक बार मैंने पूज्य महाराज गोस्वामी जी महाराज अधिकारी जी महाराज उनके चरणों में निवेदन किया कि महाराज हमारा संप्रदाय बहुत पिछड़ रहा है, इस रस को कहने वाला कोई नहीं है, आप अपने खजाने में से, आपके खजाने में तो अनेक अनेक रत्न हैं, एक रत्न निकाल के दीजिए ना इस संप्रदाय को जो सबको चमत्कृत कर दे। पूज्य महाराज श्री ने कहा अवश्य समय आने पर हम भी अपना पट्टा जो है मैदान में देंगे और आप देख लीजिए अधिकारी जी के ये दुलराए हुए हैं, बड़े स्नेह से हम लोगों की पहुंच तो ऊपर अटारी तक बहुत कम है मगर हमारे अमरीश जी महाराज को इतना लाड़ लड़ाते हैं अधिकारी जी, इतना लाड़ लड़ाते हैं, वास्तव में पूज्य महाराज अधिकारी जी महाराज ने श्री राधा लाल ने के खजाने में से आप लोगों के लिए एक रत्न प्रकट कर दिया। आचार चरणों की कृपा है, उनका आशीर्वाद उनका प्रसाद आज हम लोग तक के सामने प्रस्तुत है। मेरी बड़ी मंगल कामना है और कुछ और भी कार्यक्रम है लेकिन मैं हिंदूदास जी महाराज के तीन दोहों से अपने व्यक्तित्व को समाप्त करता हूँ जो समयोचित भी है आवश्यक भी है। बार बार तो बनत नहीं यह संयोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप, रसिकन संग विविरूप भजन सर्वोपरि आही, मन दे ध्रुव यह रंग लेहु पल पल अवगाही, जो छिन जात सो फिरत नहीं करूं उपाय अपार, सकल सायनप छाण भज दुर्लभ है यह वार। बड़ा दुर्लभ चांस मिला है हम सब लोगों को तो खूब इसका आनंद उठाइए। मेरे आश्रम में आए हुए युगल आचार्य चरणों को जो बड़ी अहेतु की कृपा से पधारे हैं, मैं किस तरीके से अपने मन को वो कहूँ, मैं परम आह्लादित हूँ इन आचार्य चरणों की कृपा का। मैं बार बार इनके चरणों में बार बार दंडवत काम करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री राधे। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। अच्छा, मैं जैसा कि मैंने कहा प्रेम का महामंत्र है, मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन और युगल प्रेम धन नहीं, युगल प्रेम घन, घन माने बादल जो युगल के प्रेम की वर्षा करती है, ऐसी प्रिय सखी जन।
वृंदावन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो प्रेम घन प्रिय सखीयन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम प्रिय सखीयन सखी जन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन